Shall we all once again shout hallelujah for the glorious presence of God is present in our midst this morning. आज सवेरे परमेश्वर की महिमा भरी उपस्थिति हमारे मध्य में है. हम लोग सब हाथों को उठा के एक हालेलुया पुकारे. देवाचे गौरवी सानिध्य आपल्या मध्ये आले आहे, त्यामुळे अजून एकदा हालेलुया म्हणूया. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. God has been blessing us right from the beginning of this convention till this morning. Let us praise God. और परमेश्वर इस सम्मेलन के पहले दिन से लेके इस घड़ी तक आशीर्वाद करता रहा, इसलिए हम धन्यवाद करें. सम्मेलनाच्या आरंभापासून आतापर्यंत देव आशीर्वादित करीत राहिला म्हणून आपण धन्यवाद करूया. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Even this morning the Lord may speak to our heart. Let us praise God. आज सवेरे भी परमेश्वर हमारे हृदय से बातें करने के लिए हम धन्यवाद करें. या सकाळच्या वेळेस देव आपल्या हृदयाशी बोलण्या आपण धन्यवाद करूया. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Amen. Praise be to God. खुदावन की तारीफ हो. देवाचे नावाला धन्यवाद असो. For our meditation this morning, let's open our Bibles to 115th Psalm and read the 12th verse. और आज के ध्यान के लिए आइए हमारे पवित्र शास्त्र को 115वें भजन उसके 12 वचन की तरफ मुड़े. आज मनना करिता स्तोत्र संहिता 115 12वें वचनाकडे आपण आपले लक्ष वळवूया. परमेश्वराने आमची आठवण केली आहे, तो आशीर्वाद देईल. इस्रायलाच्या घराण्याला आशीर्वाद देईल, अहरोनाच्या घराण्याला आशीर्वाद देईल. The Lord has been mindful of us. He will bless us. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron. यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा. वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा. Praise be to God. खुदावन की तारीफ हो. परमेश्वर चनावला धन्यवाद सो. Whenever we come to the presence of God, we come with an intention of receiving some blessings from the Lord. जब जब हम प्रभु के हजूर में आते हैं, इस मनसा के साथ आते कि हम परमेश्वर से कोई आशीर्वाद को प्राप्त करें. देवाच्या सान्निध्यात ज्या ज्या वेळेस आपण येतो त्यावेळेस देवाकडून काहीतरी आशीर्वाद मिळावे या इच्छेने येतो. Even this morning we all have assembled in the presence of God. In the depth of our heart, many of us have a desire that God should bless me. और आज सवेरे भी जबकि हम परमेश्वर के सन्निधान में आकर इकट्ठे हुए हैं, हृदय के गहराई के अंदर से लोगों के अंदर अभिलाषा है कि परमेश्वर उन्हें आशीष करे. या सकाळच्या वेळेस आपण येथे आलो तरी सुद्धा आपल्या हृदयाच्या खोलीमध्ये अशी एक इच्छा आहे की देवाने मला आशीर्वादित करावे. आय होप नन ऑफ अस विल कम टू द प्रेझेन्स ऑफ गॉड जस्ट कॅज्युअली. और मैं आशा करता हूं कोई भी ऐसे ही बिना कोई मतलब के परमेश्वर के हजूर में नहीं आते. मला असे वाटत नाही कोणतेही कारण नसताना येथे निश्चिंत असे कोणीतरी येथे देवाच्या सान्निध्यात येईल. इवन दिस मॉर्निंग ऑल दोज हू हॅव अ लॉन्गिंग इन युअर हार्ट दॅट गॉड शुड ब्लेस यू, लिफ्ट अप युअर हँड्स. आज सवेरे जितने लोगों के हृदय की गहराई में अभिलाषा है कि परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे, अपने हाथों को ऊपर करे. या सकाळच्या वेळेस ज्यांच्या मनामध्ये अशी एक उत्कंठा आहे की प्रभू ने आज मला आशीर्वादित करावे, त्यांनी हात वर करा. हालेलुया. Here the psalmist says the Lord has been mindful of us and so he will bless us. Ha bachan likhne wala kehta Yahwah ne hamari sudhi li hai aur zarur wo humko aashish karega. Sangeet kar rahe the manto Parmeshwar ala amchi aathwan ahe to amala aashirwadit karein. So God knows the desire of our heart. Parmeshwar hamare hriday ke manokamna ko janta hai. Dev apna hrudaya che ichhela janto. God knows all our needs. Aur Parmeshwar hamare sare jo zarurat hai usko bhi janta. त्याला आपल्या गरजा ठाऊक आहेत. गॉड नोज अवर रियल स्टेट. और परमेश्वर हमारी असली स्थिति को भी जानता है. तो आपली खरी परिस्थिती ओळखतो. सो ही वॉन्ट्स टू ब्लेस अस व्हेनेवर वी कम टू हिम. जब जब हम उसके पास आते वो चाहता है कि वो हमें आशीष करे. त्यामुळे जेव्हा केव्हा आपण त्याकडे येतो त्यावेळेस तो इच्छा करीतो की आपण त्याला त्याने आपल्याला आशीर्वाद करावा. ही फाइंड ही विल ब्लेस द हाउस ऑफ इस्रायल एंड हाउस ऑफ एरन. और हम देखते हैं कि वो इस्रायल के घरानों को आशीर्वाद देगा, हारून के घराने को आशीर्वाद देगा. वास्तव की तो इस्रायलच्या घराण्याला आशीर्वादित करेल, अहरोनाच्या घराण्याला आशीर्वाद. हाउस ऑफ इस्रायल शोज द बिलीवर्स एंड हाउस ऑफ एरन शोज द सर्वेंट्स ऑफ गॉड. और ये इस्रायल का घराना विश्वासियों को बताता, हारून का घराना परमेश्वर के सेवकों को बताता. इस्रायलचे घराणे हे विश्वासणाऱ्यांना, अहरोनाचे घराणे हे सेवकांना दर्शवते. एज द पीपल ऑफ गॉड एंड द सर्वेंट्स ऑफ गॉड दिस मॉर्निंग वी ऑल हैव असेंबल्ड हियर टू वर्शिप गॉड. और हम जो परमेश्वर के लोग हैं और सारे संत लोग यहां पर इकट्ठे हुए ताकि हम परमेश्वर के
आराधना करे अपन विश्वास नारे व सेवक लोग एकत्रित झालो यासाठी की प्रभु ने अपने आशीर्वादित करावे सो गॉड हैज बीन माइंडफुल ऑफ एवरी वन ऑफ अस एंड सो ही इज गोइंग टू ब्लेस अस हमारे एक लोगों के बारे में परमेश्वर जो है उस हमारी सुधी रखता है इसलिए वो हमें आशीष देगा परमेश्वरला प्रत्येकाची आठवण आहे आणि त्यामुळे तो आपल्याला आशीर्वादित करेन प्रेज बी टू गॉड खुदावन की तारीफ हो देवाच्या नावाला धन्यवाद असो गॉड कैन ब्लेस अस फिजिकली और परमेश्वर हमको शारीरिक तौर से आशीर्वाद कर सकता शारीरिक रीते देव आशीर्वादित करू शकतो गॉड कैन ब्लेस अस मटेरियली और परमेश्वर हमको भौतिक रीति से आशीष कर सकता आर्थिक अर्थाने देव आशीर्वादित करू शकतो गॉड कैन ब्लेस अस फाइनेंशियली और आर्थिक रीति से भी वो हमको आशीष कर सकता आर्थिक गरजा तो पूरू शकतो एंड गॉड ऑल्सो कैन ब्लेस अस स्पिरिचुअली और परमेश्वर आत्मिक तौर से भी हमको आशीष कर सकता आर्थिक अर्थाने तो आशीर्वादित करू शकतो व्हाट एवर मे बी द ब्लेसिंग्स दैट वी आर इन नीड ऑफ गॉड इज वेल एबल टू Bless us and grant our desire. जो भी आशीष के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं परमेश्वर हमारी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए वो यहाँ पर है ज्या कोणते आमच्या गरजा असू शकतात ते सर्व गरजा शक्य पूर्ण करणे हे प्रभूला शक्य आहे So this morning we are going to meditate about the blessings of the Lord in three aspects. और आज सवेरे जो है परमेश्वर के आशीर्वादों को तीन दृष्टिकोण से हम ध्यान करेंगे त्यामुळे प्रभु कडून प्राप्त होणाऱ्या आशीर्वादांना तीन वेगळ्या रीतीने आपण आज पाहणार आहोत First of all, what is the nature or the aspects of the blessings of God? सबसे पहले परमेश्वर के आशीषों का जो उसका गुणधर्म क्या है सर्वप्रथम प्रभु के आशीर्वादन से गुण कौन से हैं सेकेंडली वॉट विल बी द बेनिफिट वी विल एंजॉय व्हेन द लॉर्ड ब्लेसेस अस और दूसरी बात परमेश्वर हमको आशीष करने के बाद उसकी भलाई का मजा हम कैसे लौट पाएंगे आणि देवाने जे आशीर्वाद दिले त्याचा लाभ कसे घेता येईल थर्डली Whom the Lord will bless, or what should we do for the Lord to bless us? और तीसरी बात किसको परमेश्वर आशीष करेगा या तो उसके आशीष को पाने के लिए हमने क्या करना है तीसरे देवाचे आशीर्वाद कोण प्राप्त करेल किंवा त्याचे आशीर्वाद प्राप्त करण्यासाठी आपण काय करावे I request every one of you to pay attention to the word of God so that God may prepare you to receive all the blessings He has brought for you this morning. और मैं सारे लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग कृपा करके ध्यान पूर्वक सुने ताकि कि वो आशीषों को आप प्राप्त करें जो परमेश्वर ने आज सवेरे आपके लिए रखा है देवानी आज सकाळच्या वेळेस तुमच्यासाठी जे आशीर्वाद आणले आहे ते प्राप्त करण्यासाठी तुम्ही योग्य बनण्याकरिता तुम्हाला विनंती आहे की तुम्ही लक्षपूर्वक राहावे दिस इज द लास्ट मीटिंग ऑफ अवर कन्व्हेन्शन इस संमेलन का ये अंतिम सभा या संमेलनाची ही शेवटली मीटिंग एंड वी डोंट नो बिफोर द कमिंग ऑफ द लॉर्ड वेदर वी विल हैव अनदर कन्व्हेन्शन लाइक दिस हियर और हम नहीं जानते कि प्रभु के आमद से पहले ऐसा एक सम्मेलन इसी साल में और एक होगा या नहीं आणि प्रभूच्या आगमना अगोदर अजून एक संमेलन असे मिळेल का हे ठाऊक नाही इफ एट ऑल द कन्व्हेन्शन इज हेल्ड वी डू नॉट नो हाऊ मेनी ऑफ अस आर गोइंग टू कम अंडर दिस कन्व्हेन्शन हियर और अगर खुदा की दया से कन्व्हेन्शन मिला भी तो हम नहीं जानते कि उस कन्व्हेन्शन में हम में से कितने लोग आकर शामिल हो पाएंगे आणि देवाच्या दयेने जर एक संमेलन असे इथे पुन्हा आयोजित केले तरी आपल्या मधून किती लोक पुन्हा तेथे येऊ शकतात हे ठाऊक नाही आई रिमेंबर अ फ्युनरल सर्व्हिस कंडक्टेड बाय अ सेंट ऑफ गॉड और एक परमेश्वर के संत के द्वारा किसी के अंतिम क्रिया जो है किए हुए मुझे स्मरण आता है एक अंतिम विधि मध्ये एक संतानी जी सेवा चालवली त्याविषयी मला आज लक्ष स्मरण येते दैट वॉज ऑल्सो फ्यूनरल सर्विस ऑफ अ सर्वेंट ऑफ गॉड और वो भी परमेश्वर के एक दास का मृत्यु का अंतिम संस्कार एक सेवकाची ती अंतिम विधि होती इन द ग्रेवयार्ड द सिमेट्री व्हाइल ही वॉज प्रीचिंग जब वो कब्रिस्तान में प्रचार कर रहा था स्मशान भूमि मध्ये प्रचार करीत असताना ही सेड माय ब्रदर हैज गॉन बिफोर अस और वो कहने लगा कि मेरा भाई मेरे आगे गया आणि ते म्हणाले आपले बंधू हे आपल्या पुढे निघून गेले एंड वी डोंट नो हू इज द नेक्स्ट और मुझे मालूम नहीं कि आगे कौन होगा आणि ठाऊक नाही आता पुढचा कोण असेल परहैप्स गॉड मे कॉल मी आई मे रिसीव द होम कॉल फ्रॉम गॉड और शायद परमेश्वर की बुलावट मुझे भी हो सकती है कदाचित मलाच देव बोलवे प्रेज बी टू गॉड खुदावन की तारीफ हो प्रभूचा नावाला गौरव असो एज ही मेंशन ही वॉज द नेक्स्ट पर्सन हू वॉज कॉल्ड बाय गॉड एंड ही वॉज बरीड नेक्स्ट टू हिम इन दैट ग्रेवयार्ड जैसा वो बोला था कि वो जो अंतिम संस्कार किया हुआ व्यक्ति है उसके बाद जो है वो कब्रिस्तान में बताया शायद उसको बुलावट मिलेगा आणि जसे त्यांनी सांगितले त्याचप्रमाणे पुढची व्यक्ती ते स्वतःच होते आणि त्यांना सुद्धा ते अगोदर पुरलेल्या व्यक्तीच्या शेजारी पुरण्यात आले सो बिफोर द कमिंग ऑफ द लॉर्ड बिफोर अनदर कन्व्हेन्शन कुड बी हेल्ड हियर गॉड मे कॉल सम ऑफ अस टू हिज होम और प्रभु के आमद से पहले या एक और कन्वेंशन यहाँ पर आयोजित करने से पहले हम में से कुछ लोगों को परमेश्वर अपने घर में बुला लेगा आणि आपल्या आणि प्रभु ने इथे जर एक संमेलन आयोजित कर
करण्यास भाग पाडले तरी सुद्धा कदाचित आपल्यामधून काहींना प्रभू आपल्या नित्य निवासात घेऊन जाईल. For such ones, this may be the last chance that God gives them. ऐसे लोगों के लिए शायद परमेश्वर के द्वारा ये आखिरी मौका है. आणि अशांकरिता प्रभूकडून लाभलेली ही शेवटली संधी. Therefore, let us make use of the presence of God this morning and let us receive as much as possible from the Lord. इसलिए परमेश्वर के जो दिए हुए समय है उसका पूरा पूरा लाभ उठा के प्रभु के पास से ज्यादा प्राप्त करे. त्यामुळे प्रभूकडून मिळालेल्या या संधीचा पुरेपूर फायदा उचलून आपण प्रभूकडून शक्य तेवढे सर्व आशीर्वाद प्राप्त करूया. Now, when we consider about the aspects of the blessings of God, और जब हम परमेश्वर के आशीर्वादों के गुणों को जांचते हैं, प्रभूच्या आशीर्वादांच्या गुणांविषयी पाहताना, Now, when we turn to Numbers, the 24th chapter and read the first verse, और गिनती की किताब उसके 24वें अध्याय के पहले वचन की तरफ जब हम मुड़ते हैं, गणना 24वें अध्याय पहिल्या वचनाकडे वळताना, कंसर्निंग द हाउस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इस्राएल, इट इज मेंशन, इट इज द विल ऑफ गॉड टू ब्लेस इस्राएल. और इस्राएल के घराने के बारे में लिखा है कि यह परमेश्वर की मंशा है कि वो इस्राएल के घराने को आशीष करे. इस्राएलाविषयी लिहिले आहे की इस्रायलाला देवाने आशीर्वाद देणे देवाला बरे वाटते. इन द ओल्ड टेस्टमेंट गॉड चोज अ ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड इस्राएल टू बी हिज ओन पीपल. और पुराने नियम में परमेश्वर ने एक झुंड के लोगों को अपने लोगों कर इस्रायल को चुन लिया. आणि जुन्या करारामध्ये आपण पाहतो की इस्रायल नावाच्या एका गटाच्या लोकांना देवाने आशीर्वादित करून स्वजन म्हणण्यासाठी पाचारिले. दे वर कॉल्ड लिटरल इस्रायल. और वो लोग अक्षरिक इस्रायल कहलाए गए. अक्षरिक अर्थ है तो इस्रायल होते हैं. इन द न्यू टेस्टमेंट गॉड हैज चोजन अस टू बी स्पिरिचुअल इस्रायल. और ये नया नियम में परमेश्वर ने हमको आत्मिक इस्रायल होकर चुन लिया है. नवीन करारामध्ये प्रभू ने आपल्याला एक आत्मिक इस्रायल होऊन पाचारिलेले आहे. डू यू हॅव एन अश्योरेंस गॉड हैज कॉल्ड यू एंड सेपरेटेड यू टू बी हिज पीपल. और क्या आपके अंदर वो निश्चय है क्या परमेश्वर ने आपको बुलाया अलग किया ताकि आप उसके प्रजा बने. तुमच्या मध्ये ही खात्री आहे का की त्याचे स्वजन बनविण्याकरिता देवाने तुम्हाला पाचारिले व वेगळे केले. डू यू हॅव द कॉन्फिडन्स आय एम द स्पिरिच्युअल इस्रायल फॉर गॉड. क्या आपके अंदर वो आत्मविश्वास है क्या की मैं परमेश्वर के लिए आत्मिक इस्रायल हूँ. प्रभु करिता एक आत्मिक इस्रायली व्यक्ति मी आहे अशी खात्री तुम्हामध्ये आहे का. इफ यू मेक श्युअर दॅट यू आर इस्रायल डेफिनेटली गॉड इट इज द विल ऑफ गॉड टू ब्लेस यू. और यदि आप लोगों ने इस बात का निश्चय किया कि आप आत्मिक इस्रायल हो, हाँ परमेश्वर चाहता है कि वो आपको आशीष करे. तुम्ही आत्मिक इस्रायली आहात ही खात्री तुम्हामध्ये असेल तर मग तुम्हाला आशीर्वादित करणे खात्रीने देवाला बरे वाटते. इफ यू कॅनॉट से बोल्डली आय एम स्पिरिच्युअल इस्रायल, इफ यू कॅनॉट कन्फेस यू आय एम स्पिरिच्युअल इस्रायल, परहॅप्स यू मे नॉट बी वर्दी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड. और यदि धैर्य नहीं है कि आत्मिक इस्रायल बोलने के लिए तो शायद ये आशीर्वाद आपको मिल नहीं पाएगा. आणि तुम्ही आत्मिक इस्रायल आहात याची खात्री जर तुम्हामध्ये नसेल तर मग तुम्हाला त्याचे आशीर्वाद प्राप्त करण्याची योग्यता ही नाही. इट इज ट्रू गॉड वॉन्ट्स टू ब्लेस एव्हरीबडी. ये सच बात है की परमेश्वर सारे लोगों को आशीर्वाद करना. खरी गोष्ट आहे की प्रभू सर्वांना आशीर्वादित करू इच्छितो. स्पेशली ही वॉन्ट्स टू ब्लेस हिज पीपल, हिज ओन पीपल. और खास करके वो अपने लोगों को आशीर्वाद करना चाहता. विशेष करून जे त्याचे लोक आहेत त्यांना तो आशीर्वादित करू इच्छितो. सो वेन वी हॅव द कॉन्फिडन्स दॅट वी आर हिज स्पिरिच्युअल इस्रायल, हिज पीपल, वी कॅन बोल्डली क्लेम ऑल द ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड बिकॉज इट इज द विल ऑफ गॉड. और जब हम लोगों के अंदर निश्चय है कि हम परमेश्वर के आत्मिक इस्रायल है तो निश्चय उन सारे आशीषों के ऊपर हम दावा कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर हमको आशीष करने का उसकी इच्छा है. आणि जर आपण आत्मिक इस्रायल आहात याची खात्री आपल्यामध्ये असेल तर निश्चित आपण त्याचे सर्व आशीर्वाद धैर्याने प्राप्त करू शकतो कारण आपल्याला आशीर्वाद करणे त्याला बरे वाटते. प्रेज बी टू गॉड. रावण की तारीफ हो. परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद. वी टर्न टू 21st साम एंड रीड द 6th वर्स. और जब हम 21वें भजन के 6वें वचन को पढ़ते हैं, 21वां स्तोत्र संहिता 6वें वचन वास्ताना, ही वी रीड अबाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, दे आर इटर्नल ब्लेसिंग्स, दे आर एवरलास्टिंग ब्लेसिंग्स. और यहाँ पर परमेश्वर के आशीषों के बारे में पढ़ते हैं कि वो सनातन है, वो सदाकाल की है. तेथे आपण देवाचे आशीर्वादांविषयी पाहतो ते नेहमी निरंतर असणारे आशीर्वाद आहे. व्हेन गॉड बिगिन्स टू ब्लेस अस, ही विल नॉट ब्लेस यू फॉर सम टाइम एंड लीव यू. और परमेश्वर जब हमको आशीर्वाद देने के लिए शुरुआत करता थोड़े समय के लिए आशीष करके वो तुम्हें त्याग नहीं देता. देव आशीर्वाद करू लागतो त्यावेळेस काही काळ आशीर्वाद देऊन मग थांबवितो असे नाही. व्हेन गॉड बिगिन्स टू ब्लेस अस, ही विल ब्लेस अस एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव ऑन दिस अर्थ. जब परमेश्वर हमको आशीर्वाद करने शुरुआत करता तो जब तक हम इस दुनिया में जिंदा है तब तक वो हमें आशीष करता रहेगा. परंतु ज्यावेळेस देव आशीर्वादित करू लागतो त्यावेळेस आपण या भूतलावर असूपर्यंत तो आशीर्वाद देतच राहतो. गॉड इज नॉट लाइक अ मॅन. परमेश्वर मनुष्य के जैसा नहीं. देव मनुष्याप्रमाणे नाही. व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ मॅन. मनुष्य के गुणधर्म क्या है. मनुष्याची काय वृत्ती असते. इफ ही इज प्लीज्ड इन समबडी, इज लाइक ही लाइक्स समबडी, देन ही विल ब्लेस देम. अगर वो किसी को पसंद करता है या किसी
किसी से वो प्रसन्न है तो वो उसे आशीष करता है. जर त्याला कोणती आवडती व्यक्ती असेल तर त्याला आशीर्वाद देईन. इफ ही डजंट लाइक एनीबडी, इफ ही हेट्स एनीबडी, ही विल नॉट ब्लेस देम. अगर वो किसी से नफरत करता या किसी को वो पसंद नहीं है तो वो उस व्यक्ति को आशीर्वाद नहीं करता. जर ती व्यक्ती नावडती व्यक्ती असेल किंवा त्याला जर त्याचा द्वेष असेल तर आशीर्वाद देणार नाही. बट गॉड इज नॉट लाइक दैट. लेकिन परमेश्वर यू नहीं. परंतु देव तसा नाही. व्हेन वी बिकम हिज पीपल, जब हम उसके लोग बन जाते, ज्या वेळेस आपण त्याचे बनतो, व्हेन वी बिकम हिज इस्रायल, और जब हम उसके इस्रायल बन जाते, जेव्हा त्याचे आपण इस्रायल बनतो, व्हेन ही बिगिन्स टू ब्लेस अस, और जब वो हमें आशीष करने के लिए शुरू करता, ज्या वेळेस तो आशीर्वाद करू लागतो, हैज वी मे टर्न आउट टू बी अनफेथफुल, और हमारे अविश्वासियों के रहने के बावजूद, आपण अविश्वास असलो तरी सुद्धा, वी मे टर्न आउट टू बी अनवर्थी, और हम लोग अयोग्य होने के बावजूद, आपण योग्य नसताना हे, वी मे नॉट बिकम अट्रस्टवर्थी, हम लोग जो है विश्वास योग्य शायद नहीं बन पाते, आपण तेवढे विश्वासू नसताना हे, बट गॉड विल नेवर स्टॉप हिज ब्लेसिंग्स. लेकिन परमेश्वर अपने आशीर्वादों को देने से कभी नहीं रुकता. देव त्याचे आशीर्वाद कधी थांबत नाही. द ब्लेसिंग्स आर, रीड हियर, द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, दे आर एवरलास्टिंग ब्लेसिंग्स. हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि परमेश्वर के आशीर्वाद जो है लगातार है और सदा काल की है. ये थे अपन वास्तव देवाचे आशीर्वाद ते निरंतर है. इन द सेम साम इफ यू रीड द 9th वर्स, और उसी भजन के अंदर 9वें वचन को पढ़ने से, स्यास सोत्राचे 9वें वचन वास्ताना, हियर वी रीड ऑल द गॉड्स ब्लेसिंग्स आर गुड और अपराइट ब्लेसिंग्स. और वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के सारे आशीर्वाद भले है और वो धार्मिकता से है. अपन वास्तव की देवाचे सर्व आशीर्वाद ते धार्मिका है और नित्य चांगले है. प्रेज बी टू गॉड. खुदावन की तारीफ हो. देवाचे नावाला धन्यवाद. सो यू कैन नॉट फाइंड फॉल्ट विद द ब्लेसिंग्स दैट गॉड गिव्स यू. जो आशीर्वाद परमेश्वर हमको देता उसमें हम दोष नहीं ढूंढ सकते. देवाने दिलेल्या आशीर्वादामध्ये कोणतेही आपण असे दोष आपण पाहू शकत नाही. ऑलवेज गुड फॉर अस. वो हमेशा हमारे लिए अच्छा है. आपल्यासाठी ते नेहमी उत्तम आहे. ऑलवेज यूजफुल फॉर अस. वो हमारे लिए हमेशा लाभदायक है. नेहमी आपल्यासाठी उपयोगी आहे. दे आर ऑलवेज अपराइट. वी कैन नॉट फाइंड फॉल्ट विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड. वो हमेशा खरा है. कभी भी हम उसके अंदर दोष नहीं ढूंढ सकते. ते निरंतर नीतिमान आहे. त्यामध्ये कोणतेही दोष नाही. प्रेज बी टू गॉड. खुदावन की तारीफ हो. देवाच्या नावाला धन्यवाद. टर्न टू प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 एंड रीड द 20th वर्स. और जब नीति वचन के 28वें अध्याय के 20वें वचन को पढ़ते हैं, स्तोत्र संहिता 21:28 वचनात, ऑल द ब्लेसिंग्स दैट गॉड गिव्स देम गिव्स अस, दे आर अबंडेंट ब्लेसिंग्स. और जो भी आशीर्वाद परमेश्वर हमको देता है वो बहुतायत से है. जो आशीर्वाद आपल्याला देतो ते समृद्धि नहीं देतो. दे आर ऑलवेज फुल. वो हमेशा परिपूर्ण है. नेहमी परिपूर्ण से भरतो. This is fullness in the blessings of God. और परमेश्वर के आशीर्वाद के अंदर परिपूर्णता है. देवाच्या आशीर्वादामध्ये भरपूरी आहे. You will never find any lacking in the blessings of God. परमेश्वर के आशीर्वादों में कोई घटी हमको समझ में नहीं आएगी. देवाच्या आशीर्वादामध्ये कोणतीही उणीव नाही. Whenever God wants to bless us, he wants to bless us to our full. और जब जब प्रभु हमको आशीष करना चाहता वो भरपूरी से हमको आशीष करेगा. ज्यावेळेस आशीर्वाद देऊ इच्छितो त्यावेळेस तो पूर्णपणे भरतो. ही वॉन्ट्स टू ब्लेस अस अबंडंटली. और वो हमको भरपूरी से आशीष करना चाहता है. आपल्याला आशीर्वादाने समृद्ध करू इच्छितो. प्रेज बी टू गॉड. खुदावन की तारीफ हो. देवाचनावाला धन्यवाद. नाउ इफ यू टर्न टू हिब्रूज द 6th चैप्टर एंड रीड द 11th वर्स. और इब्रानी की पत्री 6वें अध्याय के 11 वचन की तरफ हम मुड़ने से, इब्री करस पत्र 6वें अध्याय 11 वचन कडे वळताना, हियर वी फाइंड गॉड गॉड्स ब्लेसिंग्स आर प्रॉमिस्ड टू हिज चिल्ड्रन. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपने आशीर्वाद अपने बच्चों के लिए रखा है. येथे आपण वाचतो देवाने त्याचे आशीर्वाद आपल्या लेकरांसाठी ठेवले आहे. Sometime earlier, our pastor said, our God is not only the promise giving God, He is also promise keeping God. अभी अभी कुछ देर पहले हमारे पास्टर जी ने बताए, परमेश्वर केवल वायदा देने वाले ने बल्कि वायदाओं को निभाने वाला परमेश्वर है. अगोदरच पास्टरांनी सांगितल्याप्रमाणे आपला देव फक्त अभिवचन देणारा नाही परंतु अभिवचन पाळणारा आहे. God has given many promises to his people. परमेश्वर अपने लोगों को कई वायदे दिया है. देवाने अपने लोकांना अनेक अभिवचने दिले. One of the important promises of God is the blessings. और परमेश्वर के सारे प्रतिज्ञा अपने लोगों के लिए उसके लिए आशीर्वाद है. आणि त्यातील एक मोठा अभिवचन म्हणजे त्याने आपल्याला देवाचे आशीर्वाद ही दिले आहे. इफ यू आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. यदि आप परमेश्वर के संतान है तो तुम्ही देवाचे लेकरो असाल तर. इफ यू आर हिज पीपल. अगर आप उसके प्रजा है तो. तुम्ही त्याचे स्वजन असाल तर. इफ यू आर स्पिरिच्युअल इस्रायल. यदि आप आत्मिक इस्रायल है तो. तुम्ही एक आत्मिक इस्रायल असाल तर. वी हैव ऑल द राइट टू क्लेम ऑल द प्रॉमिसेस ब्लेसिंग्स फ्रॉम द लॉर्ड. परमेश्वर के पास के सारे आशीर्वाद और
उसके प्रतिज्ञाओं के ऊपर दावा करने का हक हमको है. मग आपल्याला देवाच्या सर्व आशीर्वाद आणि त्याच्या सर्व अभिवचनावर हक्क आहे. As a child claims with this with the father, we can claim our God the Father to give us all the blessings because he has promised us. जैसा एक बालक अपने पिता के सारे आशीर्वादों को हक से मांगता, वैसा ही पिता के पास हम भी हक जता सकते जब वो हमें आशीष करे. ज्याप्रमाणे एक बालक अपने पित्याकडे हक्काने मागतो, त्याप्रमाणे आपल्या स्वर्गीय पित्याला हक्काने आशीर्वाद मागू तो आपण आशीर्वाद प्राप्त करू शकतो. Now if you turn to 1 Peter chapter 3 and read the 9th verse. और अभी हम लोग पहले पत्र तीसरे अध्याय के नवे वचन की तरफ मुड़ने से पहले पत्र तीसरा अध्याय नवे वचनात वास्तव ही पीटर द अपोस्टल्स एनकरेजिंग द सेंट्स ऑफ गॉड. और यहाँ पर जो है प्रेरित जो है अपने संतों को उत्तेजित करते हुए हम देखते हैं अपने लोकाना उत्तेजना देने से मन तो इन द फर्स्ट पीटर फर्स्ट चैप्टर इन द फर्स्ट फ्यू वर्सेस वी फाइंड हाउ दे हैव बीन स्कैटर्ड बिकॉज ऑफ द फेथ बिकॉज ऑफ गॉड बिकॉज दे हैव एक्सेप्टेड गॉड. और पहले पत्रस के पहले अध्याय के पहले दो तीन वचनों में हम पढ़ते हैं विश्वास के कारण कैसे वो लोग तितर बितर कर दिए गए थे. विश्वास पहले पत्र पहले अध्याय पहले तीन वचन वास्तव त्यांनी अविश्वास स्वीकारला त्यामुळे कशा रीतीने ते येथे तेथे विखुरले गेले. बिकॉज दे हॅव एक्सेप्टेड द ट्रू अँड द लिव्हिंग गॉड बिकॉज दे हॅव एक्सेप्टेड द फेथ दे हॅव बीन स्कॅटर्ड. और इसलिए कि उन्होंने एक विश्वासियों के परमेश्वर को स्वीकार किया, सच्चे परमेश्वर को स्वीकार किया, वो लोग तितर बितर कर दिए गए. आणि आपण वाचतो की त्यांनी जिवंत व सत्य देवाचा स्वीकार केला, त्यावर विश्वास ठेवला, त्यामुळे ते पूर्ण जगामध्ये विखुरले गेले. दे वर गोइंग थ्रू वेरियस ट्रायल्स एंड ट्रिब्युलेशन्स. और वो सच पूछो तो बहुत ही कष्ट और बहुत ही परीक्षाओं में से गुजर रहे थे. विविध प्रकारच्या परीक्षा व यातना जीवनामध्ये भोगत होते. टू सच सेंट्स ऑफ गॉड व्हाइल ही इज राइटिंग द एपिसल. और ऐसे संतों को जब वो प्रेरित जो है जब उसके पत्र लिख रहा था अशा संताना शालों का ना पत्र लिखता ना ही इज एनकरेजिंग देम थ्रू दिस लेटर दिस एफेसल. उसके पत्र के द्वारा उनको उत्तेजित करता है. पत्र द्वारे त्यांना तो उत्तेजना देत होता. व्हाट डज ही से और उसकी लक्ष्य क्या है तो काय म्हणतो यू हैव बीन कॉल्ड टू इनहेरिट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड. वो कहता है कि तुम्हें बुलावट है ताकि परमेश्वर के आशीर्वादों के मिरास के वारिसदार बनो. देवाच्या आशीर्वादन से वारस बनण्यासाठी तुम्ही पाचारी लेले आहात. सो डियर चिल्ड्रन ऑफ गॉड प्यारे परमेश्वर के संतानो प्रिय देवाच्या लेकरांनो आफ्टर एक्सेप्टिंग दिस ट्रूथ ये सच्चाई को स्वीकार करने के बाद सत्य स्वीकार लेनंतर आफ्टर कमिंग इनटू दिस फेलोशिप और इस संगति के अंदर आने के बाद या संगति मध्ये आल्यानंतर After becoming the children of the true God, और सच्चे परमेश्वर के संतान बन जाने के बाद सत्य देवाचे लेकर बनल्यानंतर Are you facing any battle in your life? क्या आपके जीवन में कोई बुरा समय आया है? जीवनामध्ये युद्धाला सामोरे जावे लागते. क्या आपके परिवार में बुरा समय का सामना किया जाता है? कुटुंबामध्ये तुम्हाला काही युद्ध आहे का? फेसिंग एनी बैटल इन द सोसायटी. क्या आपके समाज के अंदर बुरे काल का आपको सामना करना पड़ता है? समाजामध्ये तुम्हाला युद्धाला सामोरे जावे लागते का? आर यू गोइंग थ्रू द पाथ ऑफ ट्रिब्युलेशन्स. क्या आप लोग परीक्षा के रास्ते में से जा रहे हो? परीक्षेच्या मार्गातून जात आहात का? आर यू गोइंग थ्रू वेरियस पाथ्स ऑफ सफरिंग्स. क्या आप लोग बहुत ही कष्टों के मार्ग से गुजर रहे हो? कष्टांच्या मार्गातून जात आहात का? We be of good cheer because God has chosen you to inherit the blessings of God. God has bound you. Permission ne aapko chun liya taki uske aashirvadon ke varisdar bano. Anand kara karan devacha aashirvadan se varas banya karita prabhu ne tumhala nivadle hai. So don't worry about your problems and the battles you're facing in your day to day life. Apne jindagi ke dainandin din ke andar jo yuddhon ka samna karna padta jo pareshani aapko samna karna padta uske bare mein vyakul हो. त्यामुळे दैनंदिन जीवनामध्ये येणारे समस्या व युद्ध यांना पाहून तुम्ही चिंतित होऊ नका. टर्न युअर आईज फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स अँड गेटिंग डिस्करेज अँड लिफ्ट अप युअर आईज टुवर्ड्स द ब्लेसिंग्स दैट गॉड हैज केप्ट इन स्टोर फॉर यू. और इन सारे बातों के ऊपर से अपनी आंखों को हटा के अधैर्य होने के बजाय अपने आंखों को उन आशीर्वादों की तरफ उठाओ जो प्रभु ने आपके लिए रखा है. या सर्व समस्यांकडे लक्ष देऊन निराशित होण्यापेक्षा तेथून आपली नजर वर करा आणि तुमच्यासाठी असलेले आशीर्वाद पहा. Of God that you should be blessed. परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप आशीर्वाद पाए. प्रभु की इच्छा है कि तुम्हें आशीर्वादित हो. God's blessings are everlasting blessings.
परमेश्वर के आशीर्वाद सदा काल की है, देवाची आशीर्वाद निरंतर है। They are good and upright blessings. वो सच्चे है और खरे है, ते खरे आहे आणि सत्य है। Whenever God wants to bless you, he wants to bless you abundantly. जब जब प्रभु आपको आशीर्वाद करना चाहता वो भरपूरी से आपका आशीर्वाद करता। ज्या वेळेस देव आशीर्वाद देऊ इच्छितो त्या वेळेस तो समृद्धी देऊ इच्छितो। The blessings of God has been promised to us, the people of God. हम जो परमेश्वर के लोग है, हमी लोगों के लिए सारे आशीर्वादों का प्रतिज्ञा की गई है। जे देवाचे लेकरे आहोत आपल्यासाठी त्याने त्याचे सर्व आशीर्वाद अभिवचन होऊन दिले। वी आर कॉल्ड टू इनहेरिट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। और हमी लोग बुलाए गए ताकि उसके आशीर्वादों को हम पाए, त्याचे आशीर्वाद प्राप्त करण्यास पाचारिलेले आपण आहात। सो व्हेनेवर यू रिमेंबर अबाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड। जब जब आप लोग परमेश्वर के आशीर्वादों को पाने के लिए याद करते, इन सारे बातों को अपने जीवन में स्मरण करो। ज्यावेळेस देवाचे आशीर्वाद प्राप्त करू इच्छिता त्यावेळेस या सर्व गोष्टींना स्मरा। नाउ व्हेन वी कन्सिडर अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ रिसीविंग द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के आशीर्वादों को पाने से उसका लाभ क्या है, इस बात के ऊपर हम ध्यान करेंगे। आणि प्रभूच्या आशीर्वादांना प्राप्त करून कोणते लाभ होईल याकडे लक्ष वळवताना, इन द बुक ऑफ ड्यूट्रॉनॉमी चैप्टर 2 एंड वर्स 7, व्यवस्था विवरण के किताब उसके दूसरे अध्याय के सातवां वचन, अनुवाद दूसरा अध्याय सातवें वचनामध्ये, व्हेन गॉड बिगिन्स टू ब्लेस अस, परमेश्वर चाहता कि वो हमको आशीष करे, ज्यावेळेस देव आशीर्वाद करू लागतो, वी विल नॉट बी लैकिंग एनीथिंग इन अवर लाइफ, हम लोगों के अंदर कोई किस्म की घटी पाई नहीं जाएगी, ज्यावेळेस जीवनात कोणती उणीव भासत नाही। व्हेनेवर गॉड ब्लेसेस हिज पीपल, दिस पीपल विल नॉट बी लैकिंग एनीथिंग। जब जब प्रभु अपने लोगों को आशीर्वाद करता उसके लोगों को किसी बात की घटी नहीं होगी। ज्यावेळेस देव अपने लोग का आशीर्वाद देव लागतो त्यावेळेस त्या लोकांमध्ये कोणी उणीव कोणती उणीव नसती। ऑल अवर लैकिंग्स विल बी फिल्ड बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, हमारे सारे घटियां परमेश्वर के आशीर्वादों के द्वारा पूरा कर दिया जाएगा। देवाच्या आशीर्वादांद्वारे आपल्या सर्व उणीव पूर्ण करण्यात येतील। प्रेज बी टू गॉड, खुदावन की तारीफ हो, वचनावर धन्यवाद। इन फिलिपियन चैप्टर 4 एंड वर्स 19 द अपोस्टल सेज लाइक दिस, फिलिपी की पत्री चौथे अध्याय के 19वें वचन में प्रेरित यूं कहता है, फिलिपी करस पत्र चौथा अध्याय 19वें वचन असे प्रेषित म्हणतो, माय गॉड शल सप्लाई ऑल यू नीड अकॉर्डिंग टू द रिचेस ऑफ हिज ग्लोरी इन क्राइस्ट जीसस, मेरा परमेश्वर तुम्हारे सारे जरूरतों को पूरा करेगा उस महिमा के धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है। क्रिस्त येशू मध्ये असलेल्या धनानुसार माझा देव तुमच्या सर्व गरजा पूर्ण करेल। व्हेन गॉड बिगिन्स टू ब्लेस यू, यू विल नॉट बी लैकिंग एनीथिंग, यदि आप परमेश्वर आपको आशीर्वाद करने के लिए शुरू करने से आपके जिंदगी में कोई घटी रह नहीं जाएगी। देव आशीर्वादित करू लागला तर जीवनामध्ये कोणती उणीव राहणार नाही। प्रेज बी टू गॉड, खुदावन की तारीफ हो, देवाच्या नावाला धन्यवाद। टर्न टू नंबर्स द 6th चैप्टर एंड रीड द 24th वर्स, और जब गिनती की किताब 6वें अध्याय के 24वें वचन को पढ़ते हैं, गणना सहा अध्याय 24वें वचनाकडे लक्ष वळवताना, हियर व्हाट डू वी रीड, वहां पर हम क्या पढ़ते हैं, इथे काय वाचतो, द लॉर्ड शल ब्लेस दी एंड कीप दी, परमेश्वर आपको आशीष करेगा आपकी रक्षा करेगा, परमेश्वर तुला आशीर्वादित देव हो तुसे संरक्षण करो। When we are worthy of receiving the blessings of God, we also will have the blessed experience of being kept by the Lord. जब हम लोग परमेश्वर के आशीर्वादों को पाने के लिए योग्य गिने जाते तो हमको ये धन्य अनुभव मिलेगा कि हम प्रभु के द्वारा रक्षित किए जाते। ज्यावेळेस देवाचे आशीर्वाद प्राप्त करू लागतो त्यावेळेस त्याचे संरक्षणाचाही धन्य अनुभव मिळेल। He not only wants to bless us, he also wants to keep us along with our blessings. वो केवल हमको आशीर्वाद करना चाहता इतना ही नहीं, बल्कि आशीर्वादों के साथ साथ हमारी हिफाजत भी करना चाहता। देव आपल्याला आशीर्वादित करू इच्छितो एवढेच नव्हे तर त्या आशीर्वादामध्ये आपल्याला सुरक्षित ठेवू इच्छितो। When the Lord keeps us, we can preserve all things we have received from the Lord also. और जब परमेश्वर हमारी हिफाजत करता तो उन सारे बातों का भी हिफाजत कर सकता जो प्रभु से हमने पाया। ज्यावेळेस देव आपले संरक्षण करीतो त्यावेळेस देवाकडून प्राप्त झालेल्या सर्व आशीर्वादांचेही तो संरक्षण करीतो। Praise be to God. खुदावन की तारीफ हो। So when we are worthy of receiving the blessings of God, we also will have the privilege of being kept by the Lord. जब हम लोग परमेश्वर के आशीर्वादों को पाने के लिए योग्य गिने जाते हैं तो हमको सौभाग्य मिलेगा कि उसकी हिफाजत भी हमको मिल पाएगी। ज्यावेळेस देवाच्या आशीर्वादांचे भाग्य आपल्याला लाभते त्यावेळेस त्याच्या संरक्षणाचे भाग्य लाभते। इफ यू टर्न टू प्रोवर्ब्स द 10th चैप्टर रीड द 22nd वर्स, और जब हम लोग नीति वचन 10वें अध्याय के 22वें वचन को पढ़ते हैं, नीति सूत्र दावत है 22वें वचनात वास्तव, हियर वी रीड द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड विल मेक अस रिच, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के आशीर्वाद हमको धनी बनाएगा। वास्तव परमेश्वर से आशीर्वाद समृद्ध बनवितो। ऑल रिचेस वी सी इन द वर्ल्ड दे आर नॉट ट्रू रिचेस, और इस संसार में पाए जाने वाले जो संपत्ति है वो खरी संपत्ति नहीं। जगातील ही समृद्धि ही ऐसी खरी समृद्धि नहीं। वेयर डू वी फाइंड द ट्रू रिचेस, ये सच्ची संपत्ति हम कहां पर पा सकते हैं? खरी समृद्धि
समृद्धि कोठून मिळेल इन द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड परमेश्वर के आशीर्वादों में देवाच्या आशीर्वादामध्ये सो व्हेन गॉड ब्लेसेस हिज पीपल दे बिकम रिच इन हिज साइट और परमेश्वर जब अपने लोगों को आशीर्वाद करता वो उनके दृष्टि में धनी बन जाते ज्यावेळेस त्याच्या लोकांना आशीर्वादित करीतो त्यावेळेस ते त्याच्या दृष्टीमध्ये समृद्ध बनतात ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड मेक अस रिच इन द साइट ऑफ गॉड परमेश्वर के आशीर्वाद उसके दृष्टि में हम लोगों को धनी बना देते देवाचे आशीर्वाद त्याच्या दृष्टीमध्ये आपल्याला समृद्ध बनवितात दे आर ट्रू रिचेस एंड द लास्टिंग रिचेस और वही सच्चा संपत्ति है और सदा काल टिकने वाली संपत्ति है तीच खरी व नित्य असलेली समृद्धि है मोरओवर वी रीड इन द सेम वर्स त्याच वचनात असे ही वाचतो उसी वचन में ऐसा भी हम पढ़ते हैं आफ्टर ब्लेसिंग इज गॉड विल नॉट ऐड एनी सॉरो विद इट और हमको आशीर्वाद करने के बाद परमेश्वर उसमें दुख नहीं जोड़ता आपल्याला आशीर्वाद दिल्यानंतर त्याबरोबर तो दुख देत नाही व्हेन वी आर ब्लेस्ड बाय द डेविल वी मे फॉर अ मोमेंट वी मे एन्जॉय द ब्लेसिंग्स एंड आफ्टर दैट वी हैव टू फेस वेरियस काइंड्स ऑफ सॉरो जब शैतान के द्वारा हम आशीर्वाद पाते हैं थोड़ा समय के लिए हमको आनंद होगा लेकिन बाद में अनेक दुखों का सामना हमको करना पड़ेगा सैतान काही समृद्धी तुम्हाला देऊ शकतो परंतु त्यानंतर तुम्हाला अनेक कष्ट येतील When God blesses us, we read in the scripture, He will not add any sorrow with लेकिन जब परमेश्वर आशीर्वाद करता वचन में हम पढ़ते हैं वो कभी दुख को नहीं जोड़ता आणि देव ज्यावेळेस आशीर्वाद करीतो वचनानुसार त्याला देव कष्ट जोडित नाही When we are blessed by God, we can maintain our peace, we can maintain our rest, we can maintain our joy. और जब हम लोग को परमेश्वर आशीर्वाद करता तो हम लोग जो है हमारी शांति में बने रह सकते हमारे आनंद में बने रह सकते ज्यावेळेस देव आशीर्वाद देतो त्यावेळेस त्याबरोबर आपण शांतीमय आणि आशीर्वादित जीवन जगू शकतो ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड विल नेव्हर अफेक्ट अवर पीसफुल लाईफ नेव्हर इट विल नॉट अफेक्ट अवर जॉय और परमेश्वर का आशीर्वाद जो है हमारे आनंद के ऊपर कोई परिणाम नहीं डाल पाएगा देवाचे जे आशीर्वाद आहे ते आपले शांती किंवा आपले आनंद कधी काढून घेत नाही प्रेस बी टू गॉड खुदावन की तारीफ हो देवाच्या नावाला धन्यवाद इफ यू टर्न टू जेनेसिस द 35th चैप्टर उत्पत्ति की किताब के 35वें अध्याय की तरफ जब हम मुड़ते उत्पत्ति 35वें अध्याय कडे वळता एंड रीड वर्सेस 9 एंड 10 जब हम 9वें और 10वें वचन को पढ़ते हैं 9वें 10वें वचन वाचताना की वी फाइंड हाउ गॉड ब्लेस्ड जेकब यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने याकोब का कैसे आशीष किया याकोब वाला प्रभु ने कसे आशीर्वादित केले हे पाहतो Before he was blessed, he was in a great strait. और उसको आशीर्वाद करने से पहले वो बड़े सकेती में था ज्यावेळेस देवाने त्याला अगोदर आशीर्वाद देण्या अगोदर त्यावर एक मोठे अरिष्ट आलेले होते So he remained in the presence of God and he was striving with God and he was claiming God to bless him. और परमेश्वर के सन्निधान में घुटना टेक के परमेश्वर को आशीर्वाद देने के लिए वो दावा कर रहा था त्यामुळे देवाकडून आशीर्वाद प्राप्त करण्यासाठी तो अधिक परिश्रम करीत होता आणि तो त्यासाठी मेहनत करीत होता Finally God blessed him. आखिर में परमेश्वर ने उसको आशीष किया But here we find before blessing him, God changed his name. और परमेश्वर यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको आशीर्वाद करने से पहले उसके नाम को बदल दिया परंतु आपण पाहतो देवाने त्याला आशीर्वाद देणे अगोदर त्याचे नाव बदलले First of all, the Lord changed his name and then blessed him. पहला परमेश्वर ने उसके नाम को बदला उसके बाद उसे आशीष दिया देवाने त्याचे नाव बदलले मग आशीर्वादित केले Changing of name shows of changing of a character. और यहाँ पर नाम बदलना यानी स्वभाव के अंदर परिवर्तन लाने को बताता नाव बदलने यह अर्थ स्वभाव ही बदलने Earlier he was called Jacob. पहले वो याकूब करके कहलाए गए अगोदर त्याचे नाव याकूब What is the meaning of the word Jacob? और ये याकूब शब्द का अर्थ याकूब याचा अर्थ काय Deceiver. धोखेबाज फसवीडारा बट गॉड चेंज दिस नेम इन टू इस्राएल और बाद में परमेश्वर ने उसका नाम इस्राएल रखा परंतु देवाने त्याचे नाव इस्राएल होऊन बदलले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेम इस्राएल और इस्राएल इस शब्द का अर्थ क्या इस्राएल या नावाचे ना अर्थ काय प्रिंस ऑफ गॉड परमेश्वर का राजकुमार देवाचा राजपुत्र सी एंड डिसीवर वाज चेंज्ड एज अ प्रिंस ऑफ गॉड और पहला जो है ये धोखेबाज जो है परमेश्वर का राजकुमार होकर बदल गया फसवणूक करणारा आता एक राजपुत्र होऊन बदलला सो व्हेन वी हैव द प्रिविलेज ऑफ रिसीविंग द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड थ्रू हिज ब्लेसिंग्स द लॉर्ड आल्सो वांट्स टू चेंज अवर कैरेक्टर और परमेश्वर के आशीर्वादों को पाने के लिए सौभाग्य हमको मिलने से उसके आशीर्वाद के साथ साथ वो हमारे स्वभाव को भी बदलना चाहता ज्यावेळेस देवाचे आशीर्वाद प्राप्त करण्याचे भाग्य लाभते त्यावेळेस त्याचे आशीर्वाद
बरोबर अपने स्वभाव ही बदलते रिसीव द ब्लेसिंग थ्रू सम अदर सोर्सेस इट विल चेंज अवर कैरेक्टर इन द रिवर्स साइड और जब हम लोग और किसी सोते से अगर आशीर्वाद पाते हैं तो हम लोग को विपरीत दिशा में हम लोगों का स्वभाव को बदल देगा गैर मार्ग ने जर अपने अपने आशीर्वाद लाभ ले स्वभाव विपरीत परिणाम अपना स्वभाव वाइट होते गॉड्स ब्लेसिंग्स विल चेंज अवर कैरेक्टर इन द पॉजिटिव साइड लेकिन परमेश्वर का आशीर्वाद हम लोगों के स्वभाव को वो सकारात्मक रीति से बदलेगा परंतु देवाचे जे आशीर्वाद आहे देव अपने स्वभाव सकारात्मक रीति ने बदलतो प्रेज बी टू गॉड रावण की तारीफ हो प्रभु चनावाला धन्यवाद नबी रिटर्न टू 67 साम एंड रीड द सेकंड वर्स और जब उसी अध्याय के दूसरे वचन को हम पढ़ते हैं स्तोत्र संहिता 67 दूसरे वचन तो आस्तो हियर वी सी अनदर एक्सपीरियंस व्हेन वी आर ब्लेस्ड बाय गॉड यहां पर एक और अनुभव के बारे में हम पढ़ते हैं जब हम परमेश्वर के द्वारा आशीष पाते हैं देवाचे आशीर्वाद ना प्राप्त करण्याचा दुसरा अनुभव पाहतो द लॉर्ड कॉन्सेस हिज फेस to shine upon us when he blesses us aur parmeshwar jo hai apne tej ko hamare upar prakashit karta uske baad wo humko aashirwad karta ani dev aplyala javales aashirwad dete ho tyavale swaple mukh prakashman karto he is causing his face to shine upon us and he blesses us sabse pehle uske mukh ko hamare upar prakashit karta uske baad humko aashish deta to aplyala adi aple mukh prakashit karito ani mag aashirwadit karito we know face is the index of our mind aur hum jante hai ki chehra jo hai हमारे मन की परछाई है अरे अपन पाहतो की जो चेहरा किंवा मुख आहे तो आपल्या हृदयाचा एक प्रतिरूप आहे व्हेन गॉड कॉसेस हिज फेस टू शाइन अपॉन अस आवर फेस विल बी एनलाइटेड और शाइनिंग और जब परमेश्वर का मुख हमारे ऊपर तेजोमय होता हमारा चेहरा भी प्रकाशमान होगा देव ज्यावेळेस आपला मुख प्रकाश आपल्यावर पाडितो त्यावेळेस आपला मुख ही प्रकाशमान होतो दैट शोज आवर हार्ट ऑल्सो इज चेंज्ड इसका मतलब हमारा मन भी बदलता है याचा अर्थ आपले हृदय ही बदलू लागते हैं और आवर लाइफ और आवर इन मैन ऑल्सो इज चेंज हमारा जीवन हमारा भीतरी मनुष्य में भी एक परिवर्तन होता अपने जीवन अपने अंतर्यामी बदल लागते हैं प्रेज बी टू गॉड रावण की तारीफ हो देवाचना वाले धन्यवाद सो वी नो व्हेन सॉल वाज अनॉइंटेड एज किंग ओवर द चिल्ड्रन ऑफ इसराइल हम जानते हैं जब सुलेमान इसराइल के ऊपर राजा करके अभिषेक किया जब शाऊल को परमेश्वर ने इसराइल के ऊपर राजा होकर अभिषेक किया शाऊल ज्यावेळेस देवाने इसराइल प्रजावर राजा होऊन अभिषेक केला सैम्युअल टोल्ड हिम सैम्युअल ने उसको कहा शमूएल तेरा म्हणाला व्हेन आई पोर द अनॉइंटिंग ऑइल अपॉन यू जब मैं अभिषेक के तेल को तेरे ऊपर उंडेलूंगा अभिषेकाचे तेल ज्यावेळेस द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड विल कम अपॉन यू परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा देवाचा आत्मा तुझ्यावर उतरून येईल एंड गॉड विल गिव यू अनदर हार्ट और परमेश्वर तुझे एक और ही हृदय देगा देव तुझा तुला एक वेगळे हृदय देईल यू विल बी चेंज्ड एज अनदर मैन तू एक नया व्यक्ति होकर बदल जाएगा एक वेगळी व्यक्ति होऊन बदलशील यू विल बी नो मोर ओल्ड सॉल तू पुराना शाऊल बनकर नहीं रहेगा या पुढे तू जुना शाऊल नाही नो गॉड विल चेंज युअर हार्ट गॉड विल चेंज युअर लाइफ यू विल बिकम अ न्यू सॉल और परमेश्वर तेरे मन को बदलेगा तेरे जीवन को बदलेगा और तू एक नया शाऊल होकर बदल जाएगा देव तुझे जीवन बदलेल तुझे हृदय बदलेल तू एक नवीन शाऊल बनशील द सेम वे व्हेन गॉड कॉसेस हिज फेस टू शाइन अपॉन अस उसी तरह जब परमेश्वर का मुख हमारे ऊपर चमकने के लिए वो देता है ज्यावेळेस देव त्याचे मुख प्रकाश आपल्यावर पाडितो ही इज चेंजिंग अस अ न्यू मैन अ न्यू क्रीचर और वो हम लोगों को एक नया व्यक्ति में बदलता नया सृष्टि में बदलता एक नवीन व्यक्ति एक नवीन सृष्टि हो तो आपल्याला बदलतो सो गॉड्स ब्लेसिंग्स विल चेंज अस अस न्यू क्रीचर परमेश्वर का आशीर्वाद जो है नया सृष्टि होकर हमको बदलते जाता आशीर्वाद आपल्याला नवीन सृष्टि होऊन बदलते गॉड्स ब्लेसिंग विल चेंज अस अस न्यू मैन अ वुमन और परमेश्वर का आशीर्वाद जो है एक नया पुरुष या नया स्त्री होकर हमको बदलेगा देवाचे आशीर्वाद अपने एक नवीन पुरुष स्त्री होन बदले प्रेज बी टू गॉड खुदावन की तारीफ हो देवाचे नाम धन्यवाद रिटर्न टू लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 24 एंड रीड वर्स 50 और जब हम लूका रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय उसके 15 वचन को पढ़ते हैं अनि लूक से शुभवर्तमान 24वें अध्याय 15 वचन कडे वळताना बिफोर जीसस असेंशन हाउ ही लिफ्टेड अप हिज हैंड्स एंड ब्लेस्ड हिज डिसिपल्स वी सी हियर यीशु मसीह का स्वर्गारोहण से पहले यीशु ने कैसे अपने हाथों को ऊंचा किया और अपने चेलों को आशीर्वाद दिया यीशु का स्वर्गारोहण अगोदर त्याने कसे अपने हाथ ऊंचा होऊन अपने लोकांना आशीर्वादित केले ते पाहतो जीसस ब्लेस्ड हिज डिसिपल्स एंड देन ही असेंडेड टू हेवन
पहला यीशु ने अपने चेलों का आशीर्वाद दिया, उसके बाद स्वर्ग में उठा लिया गया। आणि त्याने त्या लोकांबरोबर तो बोलित राहिले आणि तसेच त्याचे स्वर्गारोहण झाले। When the disciples were blessed by Jesus, और जब चेले लोग यीशु के द्वारा आशीर्वादित हुए, ज्या वेळेस ते लोक त्या येशू कडून आशीर्वादित झाले, we see what did they do in verses 52 and 53. 52 और 53 में वचन में हम देखते हैं कि उन्होंने उसके बाद क्या किया। 52 53 व्या वचनात वास्तव त्यांनी काय केले। They returned to Jerusalem joyfully. और वो लोग यरूशलेम में आनंद के साथ लौट गए। यरूशलेम में ते आनंदाने केले। Here Jerusalem stands for the church of God, the presence of God. और यहां पर यरूशलेम जो है परमेश्वर की कलीसिया या तो परमेश्वर के हजूरी को बताता। यरूशलेम में थे देवाची मंडली की व देवाचे सानिध्य दाखविते। The children of God, when they are blessed by God, they will joyfully come to the presence of God and the church of God. इसलिए परमेश्वर के बच्चे जब परमेश्वर के द्वारा आशीष होते हैं तो वो लोग आनंद के साथ परमेश्वर के कलीसिया में आते हैं या उसके हजूरी में आते हैं। देवाचे लोग देवाकडून आशीर्वादित झाल्यानंतर आनंदाने देवाच्या सानिध्यात किंवा देवाच्या मंडळीत येतात। Are you able to come to the presence of God joyfully? क्या आप प्रभु के हजूरी में आनंद सहित आते हो? आनंदाने प्रभुच्या सानिध्यात जाता येत आहे का? What was the testimony of the psalmist? और भजन लिखने वाला का गवाह क्या था? गीतकाराची कोणती साक्ष होती? In 122nd Psalm, the first verse. 122वे भजन के पहला वचन। स्तोत्र 122 पहिले वचन। I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord. जब मुझे बताया गया कि आप हम परमेश्वर के भवन को चले, मैं आनंदित हुआ। परमेश्वराच्या घराकडे जाऊ असे ते मला म्हणाले तेव्हा मला आनंद झाला। When we are not able to come to the house of the Lord joyfully, that means we are lacking the blessings of God. और अगर आनंद पूर्वक आप परमेश्वर के हजूर में आ नहीं पाते तो इसका मतलब प्रभु के आशीर्वादों की घटी आप में है। देवाच्या घरात आनंदाने जाता येत नाही याचा अर्थ की आपण त्याच्या आशीर्वादामध्ये उणे पडलो आहो। But here we see the disciples blessed by Jesus, they returned to Jerusalem joyfully. और जब येशु के द्वारा चेले लोग आशीर्वादित हुए तो यरूशलेम को आनंद सहित लौट गए। परंतु येथे पाहतो येशूचे शिष्य ज्या वेळेस येशू कडून आशीर्वादित झाले त्यावेळेस आनंदाने ते यरूशलेमेत गेले। Not only that we read, they remained in the temple continually. और इतना नहीं तो उसके अंदर वो लगातार बने रहे करके ते मंदिरामध्ये निरंतर होऊन त्यामध्ये राहिले। Remaining in the temple, they were always praising God and blessing God. हमेशा मंदिर में रहते हुए वो परमेश्वर की तारीफ करते थे, परमेश्वर को धन्य कहते थे। निरंतर मंदिरामध्ये देवाचे गौरव करीत ते राहिले। Why we come to the temple of God? हम क्यों परमेश्वर के मंदिर में आते? देवाच्या मंदिरात आपण का येतो? With what intention we come to the temple of God? परमेश्वर के भवन में किस मनसा के साथ आते? देवाच्या घरामध्ये कोणत्या उद्देशाने येतो? Do we come here to praise God and bless God? क्या हम परमेश्वर की तारीफ करने, उसको धन्य कहने के लिए आते हैं? त्याच्या नावाचा गौरव करण्याकरिता, त्याला धन्यवाद देण्याकरिता येता का? Do we come to the house of God to see the glory of God? क्या हम परमेश्वर के भवन में उसकी महिमा को देखने के लिए आते हैं? त्याचे गौरव पाहण्याकरिता त्याच्या मंदिरात येता का? Do we come to the house of the Lord to see the wonderful works of God? और क्या हम लोग प्रभु के भवन में आते हैं की परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखें? त्याच्या अद्भुत कृत्यांना पाहण्याकरिता त्याच्या मंदिरात येता का? Do we come to the house of God to see the power of God? क्या हम परमेश्वर के भवन में उसके सामर्थ्य को देखने के लिए आते हैं? त्याच्या घरामध्ये त्याचे सामर्थ्य पाहण्याकरिता येता का? Some people, they come to the house of God to find fault with others. और कुछ लोग परमेश्वर के घर में आते हैं ताकि वो लोग औरों की घटियों को देखें। काही लोग देवाच्या घरामध्ये इतरांच्या चुका पाहण्याकरिता येतात। And some, they come to the house of God even to find fault with the servants of God. कुछ लोग परमेश्वर के घर में आते हैं सेवकों की घटियों को निकालने के लिए। सेवकांच्याही चुका पाहण्याकरिता काही देवाच्या घरात येतात। In some places, immediately the service is over, there will be fight among the people of God. कुछ जगह में ऐसा होता है तुरंत सभा के समाप्ति के बाद लोगों के बीच में आपस में झगड़े मचते हैं। काही ठिकाणी असे होते की देवाची सेवा आराधना संपल्यानंतर लगेच त्या लोकांमध्ये भांडणे सुरू होतात। What is all these things show? ये सारी बातें किसको बताता है? या गोष्टी काय दर्शवतात? They were not blessed by God. वो परमेश्वर के द्वारा आशीषित नहीं हुए। देवाकडून त्यांनी आशीर्वाद प्राप्त केला। But here we see the disciples. लेकिन यहां पर हम चेलों को देखते हैं। परंतु येथे शिष्यांना पाहतो। They joyfully came to Jerusalem. वो लोग यरूशलेम में आनंद सहित लौटे। आनंदाने यरूशलेम में आले। They remained in the house of God continually. वो लोग परमेश्वर के भवन में हमेशा बने रहे। निरंतर देवाच्या मंदिरात राहिले। Being in the house of God, they were praising God and blessing God. परमेश्वर के भवन में बने रहे, परमेश्वर की तारीफ करते थे, उसको धन्य कहते थे। आणि देवाच्या घरामध्ये राहून निरंतर देवाचा गौरवी ते आनंदित होते। So dear children of God, God's blessings are not ordinary blessings. और प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का आशीर्वाद सर्वसामान्य आशीर्वाद नहीं। देवाच्या लोकांनो, देवाचे आशीर्वाद साधारण नाही।
इट विल मेक अस फुल, वी विल नॉट बी लैकिंग एनीथिंग. यदि उसने आपको भरपूर किया तो आपके अंदर कोई घटी नहीं पाई जाएगी. पूर्णपणे ते आपल्याला भरेल, मग आपल्यामध्ये कोणती उणीव भासणार नाही. इट प्रिझर्व्स अस, ते आपले संरक्षण करे, वो हमारी हिफाजत करता है. द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड प्रिझर्व्स अस, परमेश्वर का आशीर्वाद हमारी रक्षा करता है. देवाचे आशीर्वाद आपल्याला संरक्षण दे. इट विल मेक अस टू एन्जॉय द ट्रू रिचेस ऑफ गॉड, वो परमेश्वर के सच्ची संपत्ति का आनंद लूटने के लिए मदद करेगा. देवाची खरी संपत्ति अनुभवण्यास मदद करें. इट ऑल्सो कीप्स अस फ्रॉम ऑल सोरोज एंड ग्रीव्स, और वो जो है सारे दुखों से, सारे वेदनाओं से हमको बचाता है. सर्व कष्ट व दुखों पासून आपले रक्षण करें. इट चेंजेस अवर कैरेक्टर, वो हमारे स्वभाव बदलता है. स्वभाव ते बदले. It changes our heart. It changes us as new man. वो हमारे मन को बदल देता, हमें नया व्यक्ति होकर बदल देता. अपने हृदय बदलून एक नवीन व्यक्ति बनवे. It helps us to come to the presence of God joyfully. इस जब जब हम लोग प्रभु के हजूर में आते आनंद सहित देवाच्या घरामध्ये आनंदाने घेऊन ये. It helps us to remain in the house of God and to praise him and bless him always. और हमेशा प्रभु के भवन में बने रहकर उसको धन्य कहे और उसको तारीफ करते रहे. तर देवाच्या घरामध्ये राहून त्याला नेहमी धन्य म्हणण्यास भाग पाडे. फॉर द सुपर नॅचरल ब्लेसिंग्स दॅट गॉड वॉन्ट्स टू गिव्ह अस, शॅल वी ऑल लिफ्ट अप आवर हँड्स एंड प्रेज गॉड फॉर अ व्हाइल. जो अनैसर्गिक आशीर्वाद जो परमेश्वर हमको देने के लिए रखा है, अब हमारे हाथों को उठा के हम परमेश्वर की तारीफ करे. असाधारण असलेले या देवाचा आशीर्वाद जे देवक देऊ इच्छितो त्यासाठी आपण त्याचा धन्यवाद करूया. ऑल दोस हू वांट टू रिसीव द ब्लेसिंग्स इन दिस मीटिंग, आज इस सभा के अंदर जो भी लोग उस आशीष को पाना चाहते हैं, या मीटिंग मध्ये जे कोणी ते आशीर्वाद प्राप्त करू इच्छितो, your heart with all your soul, apne sare pran ke sath, apne sare buddhi ke sath, purna manane purna hrudayane, with all your sin you have to praise God cheerfully, apne pure samat ke sath parmeshwar ki tarif zor se karo, purna anandane anandit rite dechi dhanyavad karu ya. Praise the Lord, 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 hallelujah, 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 praise the Lord Jesus, shida bahara bahara अभी हम लोग ध्यान करेंगे कि परमेश्वर के आशीष को पाने के लिए हमने करना क्या है. या आशीर्वादांना प्राप्त करण्यासाठी आपण काय करावे याकडे लक्ष वळवूया. इफ यू टर्न टू नंबर्स द सिक्स्थ चैप्टर, गिनती के पुस्तक के छठवें अध्याय की तरफ हम मुड़ने से, गणना सावध्याय रीड वर्स 27, 27वां वचन को हम पढ़े. 27वां वचन वास्ता ना, या रीति ने त्याने इस्राएल लोकांवर माझे नाव मुद्रित करावे म्हणजे मी त्यांना आशीर्वाद देईन. इस रीति वे मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा. एंड दे शैल पुट माय नेम अपॉन द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल एंड आई विल ब्लेस देम. Praise be to God. खुदावन की तारीफ हो. देवाचे नाव ला धन्यवाद सो. They should put my name upon the children of Israel and I will bless them. वो लोग मेरे नाम को इस्राएल पे धरेंगे और मैं उन्हें आशीष दूंगा. इस्राएल चा लोकांवर माझे नाव मुद्रित करावे म्हणजे मी त्यांना आशीर्वादित करेन. So for God to bless us, we should be called after the name of the Lord. और यदि परमेश्वर हमको आशीष करना है तो हम परमेश्वर के नाम के द्वारा जाना जाना चाहिए. देवाने आपल्याला आशीर्वादित करण्याकरिता त्याचे नाव आपल्यावर मुद्रित केले गेले पाहिजे. It is true, God has changed people. ये सच बात है कि परमेश्वर ने हमें उसका प्रजा होकर बदला. ऐसे लोगों को ना प्रेरणा देने बदल ली खरी गोष्ट. But do we have the qualifications to say I am called after the name of God? क्या आपके अंदर वो योग्यता है क्या ये बोलने के लिए कि मैं परमेश्वर के नाम के द्वारा जाना जाता हूँ? परंतु देवाच्या नावाने मी बोलाविले जातो असे म्हणण्याची खात्री योग्यता तुम्हामध्ये आहे का? If you turn to 2 Chronicles chapter 7 and read verse 14. इतिहास के दूसरे किताब के सातवें अध्याय के 14 वचन की तरफ हम मुड़ने से, दूसरा इतिहास सातवां अध्याय 14 वचन कड़े वर्ता ना. Here we see the experience of the people, those who are called after his name. यहाँ पर एक झुंड के लोगों का अनुभव हम देखते हैं जो उसके नाम के द्वारा जाने जाते हैं. इथे गट लोक पातो जिते चनाव ने ओरख ले गेले. They must always humble themselves. वे लोग जो है हमेशा अपने आप को नम्र करते. ते सोतारा ने भी नम्र करी. Whenever they come to God, whenever they come to the presence of God, they should humble themselves. जब जब वो प्रभु के सामने आते हैं, प्रभु के हुजूर में आते हैं, अपने आप को हलीम करना है. ज्या वेळेस देवाच्या सान्निध्यामध्ये ते त्या त्या वेळेस ते देवासमोर स्वतःला नम्र करी. डू यू रियलाइज वी आर कॉल्ड आफ्टर हिज नेम एंड नाउ वी रेडी टू हम्बल अवरसेल्व्स बिफोर गॉड. और क्या आप लोग महसूस करते हो क्या कि आप प्रभु के हुजूर में आने के बाद आप अपने आप को नम्र करना है? आपण त्याच्या नावाने ओळखले जातो आणि आपण
आपण त्याच्या नावाचा त्याच्या समोर आपण नम्र झाले पाहिजे ही गोष्ट लक्षात येते का Here the Lord says, my people who are called after my name, they must humble themselves. और यहाँ पर वो कहता है कि जो भी मेरे नाम के द्वारा जाने जाते हैं वो अपने आप को नम्र करे तो म्हणतो की जे ज्यास माझे नाव दिले गेले आहे त्यांनी माझ्या समोर लीन झाले पाहिजे Secondly, the Lord says they should pray. और दुसरी बात परमेश्वर कहता वो लोग प्रार्थना करना चाहिए देव म्हणतो त्यांनी प्रार्थना केली पाहिजे If we are called after the name of the Lord, we must become people praying always. और यदि हम परमेश्वर के नाम के द्वारा जाने जाते हैं तो हमेशा लगातार हम प्रार्थना में लगे रहना चाहिए देवाच्या नावाने ओळखले जात असाल तर नेहमी निरंतर प्रार्थना करणारी व्यक्ती बनली पाहिजे When we neglect our life of prayer, we will not be called after his name. यदि हम लोग प्रार्थना के जीवन को तुच्छ जानते हैं तो उसके नाम के द्वारा हम जाने नहीं जाएंगे प्रार्थना जीवनाकडे दुर्लक्ष केले तर आपण त्याच्या नावाने कधी ओळखले जाणार नाही When we are not interested in prayer, when we are neglecting prayer in the conduct of the churches, then we will not be called after his name. और यदि हम लोग प्रार्थना के जीवन के तरफ दुर्लक्ष करने से हम उसके नाम के द्वारा जाने नहीं जाएंगे मंडळी मध्ये चालणाऱ्या प्रार्थनांकडे जर दुर्लक्ष करीत राहिलो तर त्याच्या नावाने आपण कधी ओळखले जाणार नाही Therefore, let us renew our life of prayer so that we may be called after his name and to receive his blessings. इसलिए आप वो हमारे प्रार्थना के जीवन को हम नया करें ताकि हम उसके नाम के द्वारा जाने जाए और उससे आशीर्वाद पाए त्यामुळे आपले प्रार्थना जीवन अजून एकदा नवीन करूया यासाठी की आपण त्याच्या नावाने ओळखले जावे व त्याचे आशीर्वाद प्राप्त करावे And thirdly, it is mentioned we have to seek his face. और तीसरी बात वहां पर लिखा है कि हम उसके चेहरे को खोजना है तीसरे लीले आहे की आपण त्याचा चेहरा शोधना रेवन ले पाहिजे Who will seek his face? कौन उसके चेहरे को ढूंढेगा कौन त्याचे आशीर्वाद त्याचे मुख शोधेन Those who trust in him. जो उसके ऊपर भरोसा करते ज्यांचा भाव त्यावर आहे Those who put their trust in them upon the people, upon the things of this world, they will not seek the Lord. जो लोग अपने भरोसे को प्रधानों के ऊपर और संसार के लोगों के ऊपर डालते हैं वो लोग परमेश्वर के चेहरे को नहीं ढूंढते जगीक लोग जगीक गोष्टींकडे आपला भरोसा लावणारे त्याच्याकडे भरोसा ठेवत नाही स्वामी से some put their trust in chariots and some in horses. और भजन लिखने वाला कहता कुछ घोड़ों के ऊपर कुछ रथों के ऊपर अपने भरोसे को रखते हैं संगीतकार असे म्हणतो की काहींचा भाव त्या रथांवर तर काहींचा त्या घोड्यावर आहे And what's happening to them? लेकिन क्या हुआ उनको परंतु त्यांचे काय फॉल डाउन वे लोग सब गिर पड़े ते सर्व पडले दोस पुट द नेम पुट द ट्रस्ट इन द लॉर्ड दे विल राइज अप और जो लोग यहोवा के ऊपर अपना भरोसा रखते हैं वो लोग उठ खड़े हुए परंतु ज्यांचा भाव देवावर होता ते सर्व उठतील एंड व्हाट इज जेरेमिया द प्रोफेट सेज जेरेमिया नबी क्या कहता है संदेश तो यिर्मयाह काय म्हणतो दोस पुट द ट्रस्ट इन मैन दे विल डिपार्ट अवे फ्रॉम गॉड एंड दे बिकम कर्स्ड और जो लोग मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं वो परमेश्वर से दूर होके श्रापित हो जाएंगे जे मनुष्य भरोसा ठेवतात ते श्रापित होतील आणि ते देवापासून लांब जातील ये चिल्ड्रन ऑफ गॉड अपॉन होम यू हैव पुट योर ट्रस्ट परमेश्वर के बच्चे किसके ऊपर आपने अपने भरोसे को रखा है प्रिय देवाच्या लोकांनो तुमचा भरोसा कोणावर आहे इज इट ऑन द मेंबर्स ऑफ योर फॅमिली क्या आपके परिवार के उस सदस्य के ऊपर है क्या कुटुंबातील लोकांवर आहे का इज इट अपॉन युअर जॉब एंड बिझनेस क्या आपके धंदे के ऊपर या तो अपने नौकरी के ऊपर है क्या व्यापारावर तुमच्या कामावर आहे का इज इट अपॉन युअर फिजिकल स्ट्रेंथ या तो अपने शारीरिक बल के ऊपर है शारीरिक बळावर आहे का ऑर इज इट अपॉन द रिचेस ऑफ दिस वर्ल्ड या तो ये संसार के संपत्ति के ऊपर है क्या संपत्तीवर आहे का इज इट अपॉन द नेम एंड फेम यू हैव इन दिस वर्ल्ड एंड सोसायटी या तो ये संसार में और समाज में जो नाम और स्थान है उसके ऊपर रखते हो क्या नावावर व कीर्तीवर तुमचा भरोसा आहे का इफ यू आर अ पर्सन हैविंग योर ट्रस्ट इन ऑल दीज थिंग्स यू विल नेवर सीक द फेस ऑफ गॉड यदि आप वो व्यक्ति है जो इन सारे बातों के ऊपर भरोसा रखते हैं तो आप परमेश्वर के चेहरे को कभी नहीं ढूंढोगे या गोष्टीवर भरोसा ठेवणारी व्यक्ती असेल तर प्रभूच्या चेहऱ्याचा शोध कधी घेणार नाही व्हाट इज द एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल दोज आर कॉल्ड आफ्टर हिज और उसके नाम के द्वारा जाने जाने वाले लोगों का अनुभव क्या त्याच्या नावाने बोलाविले जाणाऱ्यांचा अनुभव कोणता दे विल नॉट सी एनीथिंग इन द वर्ल्ड दे विल ऑलवेज सीक द फेस ऑफ द लॉर्ड वे लोग ये संसारी किसी बातों की खोज में नहीं रहते वो लोग परमेश्वर के चेहरे की खोज करते हैं या जगातील गोष्टींचा शोध न घेता ते निरंतर देवाच्या मुखाचा शोध घेतात एंड फोर्थली वी रीड दे विल टर्न अवे फ्रॉम द विकेड वेज और चौथी बात हम पढ़ते हैं बुरे चाल से वो लोग फिर जाते हैं चौथे पण पाहतो सर्व वाईटापासून ते स्वतःला वेगळे करतात वी आर लिव्हिंग इन दिस विकेड वर्ल्ड और ये दुनिया ये बुरे वर्तमान दुनिया में हम जीते हैं दुष्ट जगामध्ये तुम्ही जगत आहात इन फॅक्ट वी वॉन्ट टू वॉक इन द वेज ऑफ द लॉर्ड ये सच बात आहे की हम परमेश्वर के रास्ते में चलने चाहते खरी गोष्ट की आपण देवाच्या मार्गाने चालू इच्छितो बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टान्सेस द ट्रायल्स वी आर फेसिंग इन अवर डे टू डे लाईफ इव
even without our control, we are also going after the wicked ways. लेकिन ये संसार में दैनंदिन होने वाले कष्ट मुसीबतों का सामना करने के कारण हमारे अनजान अवस्था में उस बुरे रास्ते में हम खींचे चले जाते हैं। परंतु दैनंदिन जीवनातील परिस्थिती व परीक्षा मुळे नियंत्रणा बाहेर जाऊन आपण त्या वाईट मार्गाने जाऊ लागतो। But whenever we come to the presence of God, the Lord is convicting us that we have gone through the wicked ways. और जब जब हम प्रभु की हजूरी में आते हैं तब हमको बोध करके देता कि हम बुरे रास्ते में निकल पड़े हैं। परंतु ज्यास देवाच्या सान्निध्यात येतो देव बोध देऊन म्हणतो की आपण त्या वाईट मार्गाने जातो। We must repent for our wicked ways and we must turn away from all the wicked ways. हमारे बुरे चाल के बारे में हम पश्चाताप करके हम उस बुरे चाल चलन से मन फिराना है। त्या वाईट गोष्टी वाईट मार्गांचा पश्चाताप करून त्यापासून आपण मागे फिरले पाहिजे। Then we can boldly say we are called after the name of the Lord. धैर्य के साथ तभी हम बोल सकते हैं कि हम परमेश्वर के नाम के द्वारा जाने जाते। नंतर आपण धैर्याने बोलू शकतो हो आम्ही देवाच्या नावाने ओळखले जातो। So here the Lord said you should put my name upon the children of Israel and I will bless them. यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि इस्राएल के ऊपर मेरा नाम रखा जाएगा और मैं उसको आशीष दूंगा। इथे देव म्हणतो इस्रायलच्या प्रजेवर माझे नाव मुद्रित केले जाईल आणि आशीर्वादित ठरेल। We must have the name of the Lord for us. हमारे अंदर भी परमेश्वर का नाम होना चाहिए। आपल्यामध्ये प्रभूचे नाव असावे। Such people they will have these characters. और ऐसे लोग जो है उसके अंदर ये स्वभाव पाया जाए। अशा लोकांमध्ये हे गुण दिसतील। They will always humble themselves. वो लोग हमेशा नम्र करेंगे। नेहमी ते स्वतःला नम्र करतील। They will be praying people. वो हमेशा प्रार्थना के वीर बन के रहेंगे। ऐसे प्रार्थना पूर्वक असणारे लोक बनतील। They will always seek the face of the Lord. वे लोग हमेशा परमेश्वर के चेहरे को खोजेंगे। नेहमी देवाचा चेहरा शोधणारे बनतील। They will be ready to accept their faults and to rectify their lives. और वो लोग जो है अपने गतियों को जांच के अपने जीवन को ठीक करते हैं। नेहमी अपने चुका शोधून स्वतःला सुधारणारे बनतील। Then God also will say gladly these are my people called after my name. और तभी परमेश्वर प्रसन्न होकर कहेगा ये लोग मेरे नाम के द्वारा जाने जाते ये मेरे लोग हैं। हे त्याविषयी आनंदाने म्हणेल हे माझी प्रजा आहे माझ्या नावाने ओळखली जाणारी प्रजा। Moreover calling after the name of the Lord shows we must belong to God. और दूसरी बात हम लोग परमेश्वर के नाम के द्वारा जाने जाते ये इस बात को दर्शाता कि हम परमेश्वर के होके रहना प्रभूच्या नावाने ओळखले जाणे म्हणजे आपण प्रभूच्या प्रभूचे होऊन बनले पाहिजे। We all have surnames. और surname और आपल्या सर्वांना काही नाव आहेत। हम सारे लोगों को उपनाम है। All of us are called after the name of the initial. When we write our name, we put the initial before that. और हमारे नाम लिखने से पहले एक उपनाम को वहां पर पहले लिख देते हैं। आणि आपले नाव लिहिणे अगोदर तेथे आपण काही असे लिहितो। First of all, we are called after our father's name and then our name. और पहला हमारे पिता के नाम के द्वारा जाने जाते उसके बाद हमारे नाम से जाने जाते। आठ नाव अगोदर लिहितो त्यानंतर आपले स्वतःचे नाव लिहितो। ये किसको बताता है? दर्शाते हैं। We are the children of that such person. हम उस फलाना व्यक्ति के पुत्र हैं। त्या परिवार त्या घरातील आपण व्यक्ती आहात। And we belong to him. हम उसके हैं। आपण त्यांचे आहात। In the same way, when we are called after the name of God, वैसा ही हम जो परमेश्वर के नाम के द्वारा जाने जाते आपण जे प्रभूच्या नावाने हात मारले जातो। That shows we are changed as his own children and we belong to him and him alone. और ये इसको बताता कि हम लोग उसके पुत्र होकर बदल गए हैं और हम उसके हैं और उसी के हैं। याचा अर्थ असा आहे की आपण त्याचे आहोत आपण त्याचे बनलो आहोत आपण त्याचेच आहात। When we come across this experience, God will bless us. जब हम लोग इस अनुभव में आते हैं परमेश्वर हमको आशीष करे। अनुभव ज्यावेळेस मिळतो त्यावेळेस देव आशीर्वादित करेन। Praise be to God. खुदावन की तारीफ हो। देवाच्या नावाला धन्यवाद। Secondly, दूसरी बात। If you turn to Deuteronomy chapter 28 and read the second verse. और व्यवस्था विवरण की किताब 28वें अध्याय के दूसरा वचन। अनुवाद 28वें अध्याय दूसरा वचनात वास्तव 28:2 28:2 फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। And all these blessings shall come upon thee and overtake thee if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. तू आपला देव परमेश्वर याची वाणी ऐकशील तर हे सर्व आशीर्वाद त्या तुझ्याकडे धावत येतील। If you hearken to the voice of your Lord, then all these blessings shall come upon you. यदि तू यहोवा के वचन को मान लेगा तो ये सब आशीर्वाद तेरा हो जाएगा। परमेश्वराची वाणी ऐकशील तर हे सर्व आशीर्वाद तुझे बनतील। For God to bless us, we must be ready to hearken to his voice. और परमेश्वर हमको आशीष करने के लिए हम उसकी वाणी को सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। देवाकडून आशीर्वाद प्राप्त कर
ऐकण्यासाठी त्याचे वाणी ऐकण्यासाठी आपण तयार असावे. वी हॅव मेनी प्रिव्हिलेजेस ऑफ हिअरिंग द व्हॉइस ऑफ गॉड. हम लोगों के अंदर बहुत सारे सौभाग्य है परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए. देवाची वाणी ऐकण्यासाठी अनेक संधी आपल्याला लाभतात. बट डू वी हार्कन टू हिज व्हॉइस व्हेनेवर द लॉर्ड स्पीक्स टू अस. लेकिन जब जब परमेश्वर हमसे बातें करता क्या हम उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं क्या? तू ज्यावेळेस देव आपल्या बरोबर बोलतो त्यावेळेस त्याच्या वाणीला तुम्ही कान देता का? इन ऑर्डर टू हार्कन टू द व्हॉइस ऑफ द लॉर्ड अवर हार्ट शुड बी इन ट्यून विथ गॉड. और हम लोग परमेश्वर की वाणी को हमेशा सुनने के लिए हमारा मन परमेश्वर के साथ जुड़ जाना चाहिए. आणि देवाच्या वाणीला कान देण्यासाठी अगोदर आपले हृदय त्याच्या हृदयाबरोबर एक झाले पाहिजे. इफ यू टर्न टू एक्सोडस द 20th चैप्टर. और निर्गमन के किताब के 20वें अध्याय को हम पढ़ने से 20वें अध्याय कडे वळताना हियर वी रीड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इस्राएल. यहाँ पर इस्राएल बच्चों के अनुभव के बारे में हम पढ़ते हैं. येथे इस्रायली लोकांच्या अनुभवाविषयी पाहतो. इन द 19th चॅप्टर एज गाईडेड बाय मोसेस वी सी हाऊ दे सॅन्टिफाय देमसेल्व्स अँड दे ऑल असेंबल्ड एट द माउंट एट द फुट ऑफ माउंट सायनाय टू सी द लॉर्ड एंड टू हियर हिज वॉइस. और 19वें अध्याय के अंदर जैसा मूसा ने उनको आज्ञा दिया सिनाई के पर्वत के पास के ऊपर वो लोग अपने आप को पवित्र किया ताकि यहोवा के चेहरे को वो लोग देख सके उसकी आवाज को सुन सके. 19वें अध्याय वाचतो मोशेच्या नेतृत्वाखाली कसे त्यांनी स्वतःला शुद्ध केले यासाठी की सिनाईच्या पायथ्याला त्यांनी प्रभूची वाणी ऐकून प्रभूचे मुख पाहावे. अँड गॉड केम डाऊन ऑन माउंट सायनाय विथ ऑल हिज ग्लोरी. और परमेश्वर सारे महिमा के साथ सिनाय के पहाड़ के ऊपर उतर कर आया. देवही गौरव युक्त होऊन सिनाय पर्वत और थ्रुनाला. व्हेन द पीपल बिगन टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड. जब परमेश्वर के लोग उसकी आवाज को सुनने लगे देवाची वाणी ज्या वेळेस ऐकू लागले. इट वॉज नॉट लाइक ह्यूमन वॉइस. वो एक मनुष्य की वाणी के जैसा नहीं था. मनुष्याच्या आवाजाप्रमाणे ते नव्हते. इट वॉज लाइक द वॉइस ऑफ द ट्रम्पेट. वो तो एक तुरी की आवाज के जैसा था. कर्णाच्या आवाजाप्रमाणे ते होते. दे हर्ड द वॉइस ऑफ द ट्रम्पेट व्हेरी लाउडली. और बहुत ही जोर से उन्होंने एक नर्सिंग की आवाज के जैसा सुना. मोठी एक गर्जना त्यांनी ऐकली. इन वर्सेस 18 एंड 19 वी फाइंड 18 और 19वें वचन में हम देखते हैं 19वें वचनात वास्तु दे सॉ द थंडरिंग्स. वो लोग जो है गड़गड़ाने की आवाज सुना. मेघ गर्जना ऐकली. दे सॉ द लाइटनिंग्स. उन्होंने जो है बिजली कड़कने की आवाज सुना. वीजा चमकत असताना पाहिले. दे हर्ड द नॉइस ऑफ द ट्रम्पेट. वो लोग जो है नरसिंह की आवाज सुना. करण्याचा नाद ऐकला. दे ऑल बिगन टू फ्राइटन. वे लोग जो है बहुत ही अत्यंत डर गए. आणि ते फार घाबरले. ऑन द 19th वर्स दे से 19वें वचन में कहने लगे. वचनाते म्हणतात लेट नॉट गॉड स्पीक टू अस. परमेश्वर हमसे बातें ना करे. देव आम्हा बरोबर बोलू नये. हु आर दिस पीपल. कोण उसके लोग है? कोण त्याचे लोक? दे हॅव कम टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड. वे लोग परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए आए थे. देवाची वाणी ऐकण्यास आले. बट व्हेन दे हर्ड द वॉइस ऑफ गॉड दे वर फ्राइटन्ड एंड से लेट नॉट गॉड स्पीक टू अस वी विल बी कंस्यूम्ड. लेकिन जब परमेश्वर ने उनसे बातें करने के लिए लगा तो वो लोग बोलने लगे परमेश्वर हमसे बातें ना करे क्योंकि हम मर जाएंगे. परंतु ज्यावेळेस देव बोलू लागला त्यावेळेस ते घाबरून म्हणू लागले देवामा बरोबर बोलू नये कारण आम्ही भस्म होऊ. वाई क्यों तसे का? They couldn't hear the voice of God as they expected. जैसा उन्होंने आग्रह किया वैसा उनको परमेश्वर की आवाज नहीं सुना. त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे देवाची वाणी नव्हती. Contrary to their expectation when they heard the voice of the trumpet loudly they began to frighten and they said we will die let not God speak to us. और उनके आग्रह के विपरीत में जब उन्होंने बड़े जोर की ध्वनि सुनी वो लोग अत्यंत डर गए और बोलने लगे परमेश्वर हमसे बातें ना करे. त्यांच्या अपेक्षे विपरीत ज्यावेळेस देवते त्यांनी करण्याचा मोठा नाद ऐकला ते घाबरले ते बोलू लागले देवामा बरोबर बोलू नाही तर आमचा नाश होईल. इन द सेम वे वी ऑल्सो हॅव द प्रिव्हिलेज ऑफ हिअरिंग द व्हॉइस ऑफ गॉड इन मेनी वेज. वैसा ही बहुत सा तरीके से हमको भी परमेश्वर की वाणी सुनने का सौभाग्य मिला है. त्यामुळे देवाची वाणी ऐकण्यासाठी आपल्याला अनेक संधी लाभल्या. व्हेन वी आर नॉट एबल टू हियर द व्हॉइस अकॉर्डिंग टू अवर एक्सपेक्टेशन वी डोंट वॉन्ट टू लिसन टू इट. हमारी अपेक्षा के अनुसार परमेश्वर की आवाज हमारे पास नहीं पहुंचते तो हम उसको सुनना ही नहीं चाहते. देवाची वाणी आपल्या अपेक्षा प्रमाणे नसेल तर ती ऐकण्यास आपल्याला आवडत नाही. हाऊ मेनी टाइम्स वी हॅव नेग्लेक्टेड द व्हॉइस ऑफ गॉड. कितने बार हमने परमेश्वर की आवाज सुनने में इनकार किया है. किती वेळा देवाची वाणी ऐकण्यापासून नकारले. बिकॉज अवर हार्ट वॉज नॉट राईट बिफोर गॉड. क्योंकि हमारा मन परमेश्वर के सामने शुद्ध नहीं था. देवासमोर आपले हृदय योग्य नसल्यामुळे. बिकॉज अवर लाइफ वॉज नॉट बिफोर राईट बिफोर गॉड. क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर के सम्मुख में सीधा नहीं था. आपले जीवन देवासमोर योग्य नसल्यामुळे. गॉड स्पोक टू अस बट वी डिडंट
listen to him. परमेश्वर हमसे बातें जरूर किया लेकिन हम है जो उसको सुने नहीं. हे अपने बरोबर खात्री ने बोलना परंतु अपन ते ऐकले नाही. Now we read about the children of Israel in the latter days. इस्राएल लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं बाद में के बातों में. नंतरच्या काळामध्ये इस्राएल लोकांच्या कामाविषयी पाहतो. When they neglected the voice of God and when they were backslidden. और जब वो लोग परमेश्वर की आवाज को सुने बगैर पीछे हट गए आते के अनुभव में चले गए. देवाची वाणी नकार लिया आणि ज्यावेळेस ते पतित पावले झाले. The Lord gave them as captives in the children of the heathen kings. और परमेश्वर जो है उनको कुछ ऐसा नियमों को और व्यवस्थाओं को दिया. अनेक राज्यांच्या अधीन त्यांना त्याने गुलामी दिले. So they were afflicted by the kings and the strangers. और वो जो पराय लोगों के द्वारा और राजाओं के द्वारा वो लोग सताए गए. अन्य जातींनी अन्य राज्यांनी त्यांना पीडिले. They were very much afflicted. वो लोग बहुत ही सताए गए. अनेक यातना भोगल्या. And then they realized their mistakes. तब सब उनको अपनी चूक समझ में आया. त्यांना आपली चूक उमगली. If you turn to Jeremiah the 42nd chapter. यरमिया नबी की किताब के 42वें अध्याय की तरफ मुंडे से. यरमिया 42वें अध्याय कडे वळताना. And if you read the 6th verse. छठवें वचन को पढ़ने. सहावें वचन वाचताना. What do they say now? वहां पर वो लोग क्या कहते हैं? आता ते काय म्हणता? Whether it is good or evil, now we will hearken to the voice of the Lord. अब वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो हम परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे. बरे सेल वाइट असेल तरी प्रभूच्या वाणीला कान देऊ. Because now we realize when we obey the voice of the Lord it will be well with us. तभी वो हम लोग समझ गए कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से हमारे लिए वो भला होगा. क्या कारण आता लक्षात आले की आपण प्रभूची वाणी ऐकली तर आपल्या बरोबर ते बरे होईल. If you turn to Job the 37th chapter read the 2nd verse. अय्यूब के किताब 37वें वचन के दूसरे वचन को हम पढ़ने से. अय्यूब 37वां अध्याय दुसऱ्या वचनाकडे लक्ष वळवताना. काइंडली रीड दिस वर्स. मेहरबानी करके पढ़िए 37:2. 37:2. ऐका हो ऐका त्याच्या वाणीची गर्जना ऐका त्याच्या मुखातून निघणारा ध्वनी ऐका. उसके बोलने का शब्द तो सुनो और उस शब्द को जो उसके मुंह से निकलता है सुनो. Hear attentively the noise of his voice, the sound that goeth out of his mouth. We have to hear attentively the voice of the Lord. Parmeshwar ki aawaz ko dhyan purvak humne sunna hai. Prabhu cha vaani la kaan deuna ikle pahije. When we hear the voice of the Lord we should not be negligent. Aur jab hum parmeshwar ki aawaz ko sunte la parwa ban ke mat raho. Prabhu aple barobar boli dastana nishkal jo re. We should not be slack. Hum log sust ban ke nahi rehna. Aur shi aur raune. We have to diligently hear the voice of the Lord. Khare man se prabhu ki aawaz ko suno. Kaalji purvak प्रभु जी वाणी ऐकली पाहिजे. Hearken to the voice of the Lord diligently. यदि सचमुच हम लोग परमेश्वर की आवाज को खरे तरीके से सुनने से काळजी पूर्वक प्रभु च्या वाणीला कान दिल्यास. As we read in verse 5. जैसा हम पांचवें वचन में पढ़ते हैं. पांचवें वचनात वाचतो त्याप्रमाणे. He will do great things which we cannot comprehend. हम लोग सोच भी नहीं सकते ऐसे महान कामों को वो करेगा. अगम्य अशा महान गोष्टी तो अपने जीवनात करेन. Therefore let us not neglect the voice of the Lord whenever we hear the voice of God. इसलिए जब हम प्रभु की आवाज को सुनते उसके तरफ हम लापरवाह होकर न रहे. त्यामुळे प्रभु बोलतो त्यावेळेस त्याच्या वाणीकडे दुर्लक्षित करू नका. Praise be to God. खुदावन की तारीफ हो. प्रभुच्या नावाला गौरव. Because here the Lord says if you will hearken to the voice of the Lord all these blessings will come upon you. यहां पर परमेश्वर कहता है यदि उसकी सारी आज्ञाओं को मानने के लिए तो सचेत रहेगा तो ये सारी आशीर्वाद तुझ पर आएगी. काय प्रभु म्हणतो की जर या वाणी सर्व त्याच्या शब्दांकडे कान दिल्यास तुम्हाला ते आशीर्वाद राहावे. Praise be to God. खुदावन की तारीफ हो. प्रभुच्या नावाला धन्यवाद. Thirdly, if you turn to Exodus the 20th chapter and read the 24th verse. और तीसरी बात अगर निर्गमन की किताब 20वें अध्याय के 24वें वचन को जब हम पढ़ते हैं. निर्गमन 20वां अध्याय 24वें वचन कडे वळताना. माझ्यासाठी एक मातीची वेदी कर आणि तिच्यावर आपले शेरडे मेंढरे व गुरेढोरे यांची होमार्पणे व शांतर्पणे अर्पण कर. जेथे जेथे माझे नामस्मरण व्हावे असे मी करीन तेथे तेथे मी तुझ्याकडे येऊन तुला आशीर्वाद देईन. मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बहनों की होम बलि और मेन बलि को उस पर चढ़ाना. जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊँ वहाँ मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा. एन आल्टर ऑफ यर थाउ शैल्ट मेक अनटू मी and shall sacrifice thereon thy burnt offerings and thy peace offerings, thy sheep and thine oxen. In all these places where I record my name, I will come unto thee
and I will bless thee. In all these places where I record my name, I will come unto thee and bless you. जहाँ जहाँ मैं तुझे अपना नाम रखने के लिए दूंगा, उस जगह में मैं आकर तुझे आशीष दूंगा. जेते जेते माझे नाम स्मरण करशील तेथे मी येऊन तुला आशीर्वाद करीन. So whatever we do in our life, we must do it in such a way that the name of the Lord may be exalted and glorified. इसलिए जो भी हम हमारे जीवन में करते हैं, ऐसे कामों को करो कि प्रभु का नाम हमारे जीवन के द्वारा महिमा पाए. क्या वो अपन जे काही करतो ते शरीरीने करावे की देवाच्या नावाचा गौरव उंचावला गेला पाहिजे. With the intention of glorifying the name of the Lord always, whatever we do, there he will come and bless us. और जहां पर भी हम लोग परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जो कामों को करते हैं, वहां पर आके प्रभु हमको आशीष करेगा. जेथे कोठे अपन देवाचे नाव गौरव तेथे तेथे देव येऊन आपल्याला आशीर्वादित करे. If we try to do anything for our own benefit, for our own name and fame, God cannot bless us. अगर हमारी भलाई के लिए, हमारा नाम की महिमा के लिए अगर हम कोई काम करेंगे, परमेश्वर हमको आशीष नहीं कर पाएगा. अपने नावाच्या कीर्ति करिता काही केले, लाभा करिता केले तर देव ते आशीर्वादित करणार नाही. Whatever we do, we must do so that the name of the Lord may be glorified. जो भी हम करते हैं, ऐसा करो कि प्रभु का नाम महिमा पाए. जे काही करतो ते असे करावे की देवाचे नाव गौरविले गेले पाहिजे. The people of God, those who realize that they are nothing before God, they alone can do it. और जो परमेश्वर के बच्चे इस बात को महसूस करते कि प्रभु के हजूरी में वो लोग शून्य है, केवल वही ऐसा कर सकते. जन वाटते की देवा समोर देखा हीच नाही, तेच फक्त असे करू शकता. फॉर दिस वी शुड नॉट थिंक दैट वी आर समथिंग, वी मस्ट ऑलवेज थिंक वी आर नथिंग. इसके लिए हम ऐसा नहीं सोचना कि हम कुछ है, हम ये सोचना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं. अपन काही तरी आहत असा विचार न करता मी काहीच नाही असा विचार करावा. Those who realize that they are something, they will always want to exalt themselves or boast in themselves. जो भी अपने आप को कुछ है ऐसा समझते हैं, हमेशा अपने नाम की बढ़ाई के लिए वो लोग करते रहते हैं कुछ ना कुछ. जन्ना कहीं तरी अपन आहत असे वाटत आहे, ते नेहमी त्याच्यासाठी अपनी प्रशंसा करून आपल्या स्वतःला उंचावती. But those who realize that they are nothing, they will be always exalting the name of the Lord. लेकिन जो लोग इस बात को महसूस करते हैं कि वो लोग कुछ भी नहीं, वो लोग परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए करते हैं. परंतु अपन काही नाही असा जन्ना वाटते, ते नेहमी देवाच्या नावाला उंचावत राहतील. Why God has created us? क्यों परमेश्वर ने हमको सृजाया? देवाने निर्मिती का केली? फॉर हिज ग्लोरी, उसकी महिमा के लिए. त्याच्या गौरवा करिता. नॉट फॉर अवर ग्लोरी, हमारी महिमा के लिए नहीं, स्वतःच्या गौरवा करिता नाही. Isaiah chapter 44, read about this fact. यशया नबी के किताब 44वे अध्याय में हम इस घटना को पढ़ सकते. यशया 44 अध्याय में याविषयी वास्तव. 43:7 we read. और उसके 7वे वचन में हम पढ़ते हैं. 44 अध्याय 7वे वचन वास्तव. God has created and he has called us by his name for his glory. परमेश्वर ने हमको सृजाया, उसके नाम के द्वारा हमको बुलाया अपनी महिमा के लिए. देवाने आपल्याला बोलाविले आणि निर्माण केले ते त्याच्या गौरवा करिता. फॉर हिज ग्लोरी गॉड हॅज फॉर्मड अस, गॉड हॅज मेड अस एंड गॉड हॅज क्रिएटेड अस. और परमेश्वर ने हमको सृजाया, हमको बनाया, हमको बुलाया अपनी महिमा के लिए. त्याच्या गौरवा करिता त्याने उत्पन्न केले, निर्माण केले व घडविले. लेट अस नॉट फॉरगेट दिस फॅक्ट. इस हकीकत को हम भूल ना जाए. या गोष्टीला पण कधी विसरू नये. वी आर क्रिएटेड ओनली टू ग्लोरीफाय गॉड, नॉट अवर. हम लोग केवल इसलिए सृजाए गए ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, अपनी नहीं. अपनी निर्मिती स्वतःच्या गौरवा करिता नहीं, परंतु देवाच्या गौरवा करिता केली आहे. When we do with an intention of glorifying God always, God will come there and bless us. जब हम लोग इस मनसा से कोई काम करते हैं कि परमेश्वर का नाम की महिमा हो, परमेश्वर उस जगह में आएगा, हमें आशीष करेगा. प्रत्येक गोष्ट देवाला गौरविण्याच्या उद्देशाने ज्या वेळेस करू, त्यावेळेस देव ते येईल आणि आशीर्वाद देईन. देवाच्या नावाला धन्यवाद. फोर्थली, चौथी बात, चौथे ड्यूट्रॉनॉमी चैप्टर 11, व्यवस्था विवरण 11 अध्याय, अनुवाद 11 अध्याय, रीड वर्सेस 26 एंड 27. 26 और 27 वचन को हम पढ़े. 26-27 वचन वास्तव. सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ. अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ मानो, तो तुम पर आशीष होगी. पहा, आज तुमच्या पुढे आशीर्वाद व श्राप हे दोन्ही मी ठेवत आहे, म्हणजे तुमच्या देव परमेश्वर याच्या ज्या आज्ञा मी आज तुम्हाला सांगत आहे त्या तुम्ही पाळल्या तर तुम्हाला आशीर्वाद मिळेल. Behold, I set before you this day a blessing and a curse. A blessing if you obey the commandments of the Lord your God,
which I command you this day. Praise be to God. खुदावन की तारीफ हो. वचनावल गौरोसु. If you obey the commandments of the Lord, then I will keep blessings before you. और यदि तू परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता रहेगा, तेरे सामने परमेश्वर आशीष को रखेगा. देवाच्या आज्ञांचे पालन केले देव तुमच्या समोर आशीर्वाद ठेवे. So God has given us some commandments so that we may keep it and receive the blessings of God. परमेश्वर ने कुछ आज्ञाओं को हमारे सामने रखा जिसका पालन करके हम प्रभु के आशीषों को पाना है. देवाने काही आशीर्वाद आपल्या समोर आज्ञा ठेवले आहे की ज्यांचे पालन केले सेवा मास आशीर्वादित करें. Are we willing to obey the commandments of God? क्या आप प्रभु के आज्ञाओं को पालन करने के लिए समर्थ हो? देवाच्या आज्ञांचे पालन करण्यास तुम्ही तयार आहात का? If you see in the world any organizations, they have their own rules and regulations. और ये संसार के अंदर कई संस्थाओं को देखते हैं जहाँ पर कई कानून और नियम उनके रहते हैं. जगामध्ये कोणती संस्था पाहिली तर त्यांचे आपले नियमावली असतात. If you take a school, they have their own rules. अगर पाठशाला में जाओगे तो उनका अपना कानून होती है. शाळा असेल तर ते शाळेला त्यांचे नियम असतात. If our children say we will not keep all these rules, they will be chucked out. और यदि बच्चे कहने लगे कि ऐसे ऐसे कपड़े हम नहीं पहनेंगे तो उनको वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा. आणि मुले म्हणाले की आम्ही त्या आज्ञांचे पालन करणार नाही तर त्यांना बाहेर काढण्यात येईल. Recently one of our believer boy, he had been to UK on deputation for 3 months. और 3 महीने के लिए हाल ही में हमारे एक विश्वासी बच्चा है जो यूके गया था. आणि आपला एक मुलगा येथून यूके येथे एक विश्वासणारा मुलगा 3 महिन्यांकरिता गेला. He said his experience, they were so strict. और वहां पर वो कहता है कि वहां पर इतने कड़क अवस्था में है. आणि तो म्हणतो ते फार कठोर कड़क आहेत. Knowingly or unknowingly, if they commit a small mistake, they will not tolerate it. Immediately they will dismiss such person. जान के रहो या अनजान अवस्था में रहो, एक छोटी भी गलती हो गए तो तुरंत उनको निकाल बाहर कर दिया जाता था. जाणून बुजून किंवा चुकून सुद्धा एक लहानशी चूक केली तरी तेथून त्यांना बाहेर काढत. सी इन द वर्ल्ड दे आर सो स्ट्रिक्ट टू कीप द डिसिप्लिन अंड स्टैंडर्ड. देखो ये संसार के अंदर उनके नियमों के पालन के अंदर उनके अनुशासन को संभालने के लिए वो लोग इतना कड़क है तो पहा जगामधील आपला दर्जा राखण्याकरिता जर ते एवढे कडक असतील तर. इन द सेम वे इन द चर्च देर आर सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन एज कमांडमेंट्स. इसी तरह से कलीसियाओं में कितने सारे कानून है, आज्ञाएं है. तसेच मंडळी मध्ये सुद्धा अनेक नियम आज्ञा है. दिस कमांडमेंट्स गॉड हैज गिवन अस ओनली टू कीप अस, नॉट टू लीव अस. और ये आज्ञा परमेश्वर ने हमको दिया ताकि उसका हम पालन करें, उसको छोड़ने के लिए नहीं. आणि देवाने नियम दिले यासाठी की आपण ते पालन केले पाहिजे, त्याला सोडून द्यावे असे नाही. ही वॉन्ट्स टू डिसिप्लिन अवर लाइफ थ्रू हिज कमांडमेंट्स. उसके आज्ञाओं के द्वारा हमारे जीवन को वो अनुशासित करना चाहता. या नियमांद्वारे तो आपले जीवनात अनुशासन आणू इच्छितो. ही वॉन्ट्स टू रेक्टिफाय अवर लाइफ थ्रू हिज कमांडमेंट्स. उसके आज्ञाओं के द्वारा वो हमारे जीवन को सुधारना चाहता. आज्ञांद्वारे तो आपले जीवन सुधारू इच्छितो. ही वॉन्ट्स टू बिल्ड अप अवर लाइफ थ्रू हिज कमांडमेंट्स. उसके आज्ञाओं के द्वारा हमारे जिंदगी को वो बांधना चाहता. या आज्ञांद्वारे तो अपने जीवन बांधू इच्छितो. ही वॉन्ट्स अस टू गो फॉरवर्ड बाय कीपिंग हिज कमांडमेंट्स. उसकी आज्ञाओं का पालन करके वो चाहता है कि हम आगे बढ़े. तो इच्छितो की अपन त्याच्या आज्ञांचे पालन करून पुढे जावे. सो व्हेन वी आर विलिंग टू कीप ऑल हिज कमांडमेंट्स, द लॉर्ड आल्सो विल बी वेरी ग्लैड टू ब्लेस अस. पूरे मन से अगर उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो परमेश्वर बहुत ही पसंद करेगा हमको आशीष करने के लिए. पूर्ण मनाने आपण त्याच्या आज्ञांचे पालन केल्यास देव आपल्याला आशीर्वादित करण्याला पकडण्यामध्ये प्रसन्न होईल. Here the Lord says before his people he has kept the curses and blessings. यहां पर परमेश्वर अपने लोगों को कहता तेरे सामने आशीष और श्राप रखा गया है. देव म्हणतो की त्याने त्याच्या लोकांसमोर आशीर्वाद व श्राप दोन्ही ठेवले. What is his counsel? और उसका सलाह क्या है? त्याचा सलाह कोणता? You keep my commandments and blessing, you will inherit the blessings. और तू मेरी आज्ञाओं को पालन कर और आशीर्वादों का मिरासदार बन जा. आणि तो म्हणतो माझे आज्ञांचे पालन कर व माझे आशीर्वाद प्राप्त करा. Let us keep the commandments of God and receive all the blessings. परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके सारे आशीर्वादों को हम प्राप्त करें. त्यामुळे देवाच्या आज्ञांचे पालन करून सर्व आशीर्वादांना प्राप्त करूया. Now if you turn to the book of Malachi chapter 3 and read verse 10. मलाकी के किताब तीसरे अध्याय के 10वें वचन को जब हम पढ़ते हैं. मलाकी तीसरे अध्याय 10वें वचन कडे वळताना. मलाकी 3:10. मलाकी 3:10. सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे. और सेनाओं का यहोवा ये कहता है,
कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर आपंबार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। सेनाधीश परमेश्वर म्हण तो माझ्या मंदिरात अन्न असावे म्हणून सगळा दशमांश तुम्ही भंडारात आणा म्हणजे मी आकाश कपाटे उघडून जागा पुरणार नाही एवढा आशीर्वाद तुम्हा करिता वर्षितो की नाही याविषयी माझी प्रतिती पहा। Bringing all the tithes into the storehouse that they may be meat in mine house and prove me now herewith say the Lord of hosts if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be a room enough to receive it. Praise be to God. खुदावन की तारीफ हो। दिवाचनावलो धन्यवाद। Yes, the Lord says, prove me. I will open the windows of heaven and I will bless you so that you may not have a place to fill it. और यहाँ पर परमेश्वर कहता है मुझे परख के देख मैं आकाश के झरोखों को तेरे लिए खोल दूंगा और तेरे लिए जगह नहीं रहेगा वहाँ पर समाने के लिए। देव म्हणतो की मला तुम्ही पारखून पहा आकाश कपाटे उघडून जागा पूर्ण नाही एवढा आशीर्वाद मी तुम्हाला देईन। वी नो द ट्रेजर ऑफ गॉड इज इन हेवन। और परमेश्वर की जो संपत्ति है वो स्वर्ग में है करके हम जानते हैं। आपल्याला ठाऊक आहे देवाचा भंडार स्वर्गात आहे। एंड गॉड वॉन्ट्स टू ब्लेस अस आउट ऑफ हिज ट्रेजर। और परमेश्वर उसके भंडार में से हमको आशीष देना चाहता है। भंडारातून तो आपल्याला आशीर्वादित करू इच्छितो। सो ही वॉन्ट्स टू ओपन द विंडोज ऑफ हेवन सो दॅट वी मे रिसीव द ट्रेजर ऑफ द ब्लेसिंग्स। और वो अपने आकाश के झरोखों को खोलना चाहता ताकि हम उसके आशीर्वादों को प्राप्त करे। त्यामुळे तो आकाश कपाटे उघडू इच्छितो याद्वारे यासाठी की त्याद्वारे पण आशीर्वादित व्हावे। इन ड्यूट्रॉनॉमी चैप्टर 28 एंड वर्स 12। और जब हम व्यवस्था विवरण की किताब 28वें अध्याय 12 वचन को पढ़ते हैं। अरे 28वें अध्याय 12 वचन पाहतो। वी रीड द लॉर्ड शैल ओपन अनटू दी हिज गुड ट्रेजर द हेवन। और वहाँ पर लिखा है परमेश्वर स्वर्ग के अच्छे भंडारों को तेरे लिए खोल देगा। तेते बड़वास्तव तुम्हासाठी देते आकाश कपाटे देते भंडार उघडे। सो व्हेन गॉड ओपन्स द विंडोज ऑफ हेवन दैट मींस ही वांट्स टू ब्लेस अस फ्रॉम हिज ट्रेजर दैट इज इन हेवन। और जब परमेश्वर आकाश के झरोखों को हमारे लिए खोलता है इसका मतलब परमेश्वर अपने भंडार से हमको आशीष करना चाहता जो स्वर्ग में है। देते आकाश कपाटे उघडून त्याच्या भंडारातून आशीर्वादित करतो याचा अर्थ देव आशीर्वादित करू इच्छितो। हाउ गॉड कैन ब्लेस अस लाइक दिस। कैसे इस प्रकार से प्रभु हमको आशीर्वाद दें। वी सी वी हैव टू ब्रिंग ऑल द टाइथ्स इनटू हिज हाउस। हम देखते हैं सारे दशमांश को उसके भंडार में लाना है। आपण पाहतो दशमांश त्याच्या भंडारात मंदिरात आणला पाहिजे। वी मस्ट बी फेथफुल इन गिविंग टू गॉड। हम लोग परमेश्वर को देने के विषय में विश्वास योग्य बन के रहे। देवाला देण्यामध्ये पण विश्वास असले पाहिजे। हाउ मेनी ऑफ अस आर फेथफुल इन अवर ऑफरिंग्स एंड टाइथ्स। हम में से कितने लोग हमारे देने में और हमारे दानों में वफादार होके रहते। दशांश और अर्पणामध्ये किती लोक विश्वास आहात। वी आर गिविंग ऑफरिंग्स एंड टाइथ्स नॉट टू हेल्प द सर्वेंट्स ऑफ गॉड एंड वर्कर्स टू रिसीव द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड फ्रॉम गॉड। हम लोग जो है ये दशमांश को और अर्पणों को हम देते हैं ऐसा नहीं कि सेवकों को उनके लिए देते हैं। हम परमेश्वर के आशीष पाने के लिए देते। देवाकडे आपण देवाला देवासाठी आपण दशांश दान देतो हे सेवकांच्या मदतीसाठी नाही परंतु देवाकडून काही आशीर्वाद मिळण्याकरिता। इफ यू गिव टू द लॉर्ड गॉड विल गिव यू इन अबंडेंस। यदि आप परमेश्वर को देने से परमेश्वर बहुताज से आपको लौटा के देगा। जर तुम्ही देवाला दिली तर देव तुम्हाला भर भराटी ने देईन। एज अ मेंबर ऑफ द चर्च आर यू फेथफुल इन गिविंग ऑफरिंग्स एंड टाइथ्स। परमेश्वर के कलीसिया के सभासद होने के कारण आपके अर्पणों में और आपके दशमांश के रीति में आप वफादार होकर रहते हो क्या। मंडळीचे सभासद होऊन असताना तुम्ही दशांश दान अर्पणामध्ये तुम्ही विश्वास आहात का। आई नो द टेस्टिमनी ऑफ वन ऑफ आवर बिलीवर्स। मैं एक विश्वासी के गवाह को सुना। एक विश्वासनारेची साक्ष मला ठाऊक। ही बिगन अ बिझनेस। और उसने एक व्यवसाय आरंभ किया। त्यांनी एक व्यापार सुरू केला। He told the Lord, if you bless me, I will give 1/10 of all my profit. तभी उसने परमेश्वर से यूं कहा, परमेश्वर यदि तू मुझे आशीष करने से मेरे सारे लाभ का दशमांश मैं तुझे दूंगा। आणि त्याने देवाला असे म्हटले, देव तू मला आशीर्वादित केले तर मला मिळणाऱ्या नफ्याचा एक भाग दहा मधून एक भाग मी दे। God really blessed him. परमेश्वर सचमुच उसको आशीष किया। देवाने खरोखर आशीर्वादित केले। So he was not satisfied in giving just 1/10 of his money. और उसके पैसों में से दशमांश देने के लिए वो तृप्त नहीं हुआ। त्यामुळे दहा मधून एक भाग देण्यामध्ये तो तृप्त नव्हता। सो ही सेड, लॉर्ड हियर आफ्टर इफ यू ब्लेस मी आई विल गिव 1/5 ऑफ ऑल माय प्रॉफिट। और उसके बाद वो बोलने लगा, प्रभु अगर इसके आगे तू मुझे आशीष करने से मेरे लाभ का एक में से पांच में से एक हिस्सा को मैं तुझे दूंगा। त्यामुळे तो देवाला म्हणाला, देव तुम्हाला अजून आशीर्वादित केले तर पाच मधील एक भाग मी तुला देईन। अगेन गॉड ब्लेस हिम अबंडंटली। फिर भी परमेश्वर ने उसको भरपूरी से आशीष किया। देवाने त्याला भरपूरीने आशीर्वादित केले। ही फेल्ट गिल्टी इन
his conscience. और फिर भी उसके मन के अंदर उसको टोचने लगा. त्याच्या मनामध्ये त्याला टोचणी झाली. He said, Lord, you are blessing me so much, but I am giving just 1/5 of my money. और तभी वो बोलने लगा, परमेश्वर मैं तो इतना आशीष किया तो भी एक पांचवा हिस्सा को मैं तुझे दे रहा हूँ. आणि तो म्हणाला, हे प्रभु तुम्हाला एवढे आशीर्वादित करीत असताना मी फक्त पाच मधून एक भाग तुला देतो. Hereafter, Lord, I will give 50% of what I receive from you. और यदि परमेश्वर तू मुझे आशीष करने से जो भी तू मुझे देता 50% मैं तुझे दे दूंगा. तो देवाला म्हणाला, यापुढे मला आशीर्वादित केले तर अर्धे भाग मी तुला देऊन टाके. Again, God blessed him to his full. फिर भी परमेश्वर उसकी भलाई के लिए आशीष किया. पुन्हा देवाने त्याला पूर्णपणे आशीर्वादित केले. This is what the Lord says here. यही तो परमेश्वर यहाँ पर कहता है. येते दे तेस म्हणता है. Bring all your offerings to my house. तेरे सारे दशमांश को मेरे भंडार में ला. तुमचे सारे दशमांश माझ्या भंडारात आणा. Bring all your tithes to my house. अपने सारे दशमांश को मेरे भंडार में लिया. दशमांश तुम्ही माझ्या मंदिरात आणा. And prove me whether I will open the windows of heaven and bless you or not. उसके द्वारा तू मुझे परख ताकि मैं आकाश के झरोखों को तेरे लिए खोल के तुझे आशीष करूंगा. आकाश कपाटे उघडून मी तुला आशीर्वादित करील याची प्रतिती पहा. Therefore, when we are faithful in giving to the Lord, God will be faithful in blessing us. और जब हम लोग परमेश्वर के देने के विषय में वफादार होकर रहेंगे प्रभु हमको आशीष करेगा. त्यामुळे जे देवाचे आहे ते देण्यामध्ये आपण विश्वासू असेल तर देव आपल्याला आशीर्वाद करण्यामध्ये विश्वासू असेल. And sixthly, if you turn to 133rd Psalm. और छठवी बात 115वे भजन. सावी गोष्ट 133वे स्तोत्र संहिता. Read the first and the third verse. पहला और तीसरा वचन को हम पढ़े. पहले और तीसरे वचन वाचत असताना 135 पहला और तीसरा. पहा बंधुनी ऐक्याने एकत्र राहणे किती चांगले व मनोरम आहे. ते मस्तकावर ओतलेल्या अहरोनाच्या दाढीवर उतरलेल्या त्याच्या वस्त्राच्या काठापर्यंत ओघडलेल्या बहुमूल तेलासारखी आहे. देखो या क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे. ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity, as the dew of Hermon and as the dew that descended upon the mountains of Zion. For they the Lord commanded the blessing, even life forevermore. Praise be to God. खुदावन की तारीफ हो. देवाचनावले धन्यवाद सो. For there the Lord is commanding the blessings and life forevermore. वहाँ पर परमेश्वर जो है आशीषों को और नित्य जीवन के बारे में आज्ञा देता है. देते देव आशीर्वाद व अनंतकालिक जीवन देता है. Where the Lord is commanding his blessings. कहाँ पर परमेश्वर अपने आशीषों की आज्ञा देता है. अपने आशीर्वाद को पाठिता है. Where the brother in law living in unity. जहाँ पर भाई लोग इकट्ठे होकर रहते हैं. जेते बंधुजन एक्याने रहता है. How good and how pleasant it is for brethren to dwell in unity. ये कितना मनोहर और धन्य बात है कि भाई लोग आपस में एक बन के रहते हैं. वहाँ बंधुनी ऐक्याने एकत्र रहने किती चांगले व मनोरम है. All must be united as one person. हम सारे लोग एक व्यक्ति के समान मिलजुल के रहना है. इतना मनुष्य प्रमाणे सर्वानी एकत्रित जगले पहिशे. We should not keep any hatred or bitterness against anybody. हम लोग किसी के विरोध में कोई कड़वापन या कोई द्वेष न रखे. कोड़ा विरोध आवे द्वेष किंवा कड़ुपणा ठेवणे. We must forgive one another. हम लोग एक दूसरे को क्षमा करें. एकमेकांची क्षमा केली पाहिजे. We must reconcile with one another. हम लोग एक दूसरे के साथ समेट करें. एकमेका बरोबर समेट केला पाहिजे. We should not keep any division of misunderstanding between us. हमारे आपस में कोई किसी का गलत फहमी को न रखे. एकमेका बरोबर कोणता ही गैरसमज असू नये. When we all are united as one person. जब हम लोग सब एक जैसा एक बन जाते हैं. एक व्यक्ति हो जाए एकत्रित ऐक्या देतो. Then we find God is commanding his blessings there. वहां पर परमेश्वर अपने आशीषों की आज्ञा देते हुए हम देखते हैं. देते देते से आशीर्वाद पाठवीताना पाहतो. This was a desire of King David. यही तो राजा दाऊद का इच्छा था. दाऊद राजाची ही इच्छा होती. He had a revelation about brethren living in unity. और उसको भाई लोग एक होकर रहने वाला एक प्रकटीकरण था. बंधु जनांनी ऐक्या मध्ये जगण्याचा एक प्रकटीकरण त्याला होता. He also had a revelation that God commands blessings there. और उसको ये बात का प्रकटीकरण था कि परमेश्वर उस जगह में आशीर्वादों की आज्ञा देता. देते देते आशीर्वाद पाठवितो याचे एक प्रकटीकरण त्याला होते. Unfortunately, in his family, his sons, the brethren, they were not able to live in unity. और दुर्भाग्यवश उसके परिवार में उसके खुद के भाई लोग इकट्ठा होकर रह नहीं पाए. परंतु दुर्भाग्य की गोष्ट
असे की त्याच्याच घर परिवारातील त्याचेच लेकर एकत्रित राहिले नाही. लेट इट नॉट बी द केस ऑफ अवर्स. हमारे जीवन में ऐसी स्थिति ना आए. आपली स्थिती तशी असू नये. गॉड वॉन्ट्स टू ब्लेस यू. परमेश्वर आपका आशीष करना चाहता. तुम्हाला आशीर्वादित करू इच्छितो. फॉर दॅट कॉज ही वॉन्ट्स यू टू लिव इन युनिटी विथ एव्हरीबडी. हा वो परमेश्वर सारे लोगों के अंदर एकता को निर्माण करना चाहता है. आणि त्यासाठी आपण सर्वांनी ऐक्यामध्ये जगले पाहिजे. इफ एट ऑल इफ यू हॅव एनिथिंग कॉन्ट्ररी टू द युनिटी डिसाइड इन द प्रेझेन्स ऑफ गॉड अँड गिव्ह इट अप हियर इटसेल्फ. और अगर एकता को निर्माण करने के अंदर कोई किस्म का बाधा है तो इसी घड़ी में पश्चाताप करके उसे छोड़ दो. आणि ऐक्यामध्ये अडखळण आणणारी काही गोष्ट असेल तर या क्षणी आता तुम्ही देवाच्या सान्निध्यामध्ये ती गोष्ट विसरू नका. लेट अस डिसाइड टू लिव इन युनिटी. यहां पर फैसला करो एक होकर रहने के लिए. ऐक्यामध्ये जगण्याचा निश्चय करूया. लेट अस डिवाइड टू गिव अप ऑल हेट एंड बिटरनेस एंड एवरीथिंग. और सारे किस्म के कड़वापन को और द्वेष को हम दूर करें. सर्व कडूपणा द्वेष आपल्यामधून काढून टाकूया. And the Lord will bless us. परमेश्वर हमको आशीष करे. मग देव आशीर्वादित करे. He's commanding his blessings upon the brother and those who are living in unity. जो भाई लोग भाईचारे में इकट्ठा होकर रहते हैं ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर अपने आशीषों को आज्ञा देता है. ऐक्यामध्ये जगणारे बंधू जनावर तो अपने आशीर्वाद पाठवितो. फाइनली आखिर में सर्वाशेष 134th psalm if you read verses 2 and 3 और 134वें वचन उसके दूसरे और तीसरे वचन को पढ़ते हैं. 134 दूसरे तीसरे वचन. पवित्र स्थानाकडे वळून आपले बाहू उभारा आणि परमेश्वराच्या धन्यवाद करा. आकाश व पृथ्वी यांच्या निर्माण करता परमेश्वर सियोनेतून तुला आशीर्वाद देऊ. अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो. यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है वह सियोन में से तुझे आशीष दे. लिफ्ट अप योर हैंड्स इन द सैंक्चुअरी एंड ब्लेस द लॉर्ड दैट मेड हेवन एंड द अर्थ ब्लेस द आउट ऑफ ज़ायन. Praise be to God. खुदावन की तारीफ हो. देवाचना वाला धन्यवाद. Here the psalmist says, lift up your hands towards the sanctuary. और यहाँ पर भजन लिखने वाला कहता है अपने हाथों को उसके भवन की तरफ उठाओ. संगीतकार वन तो पवित्र स्थान कड़े अपने बाहू भार. We have to lift up our hands towards the sanctuary. हम लोग पवित्र स्थान की तरफ अपने हाथों को उठाना है. पवित्र स्थान कड़े और अपने बाहू उभारने पाहिजे. Lifting up of our hand shows various experiences. हमारे हाथों को उठाना अनेक अनुभवों को बताता है. अपने हाथ उभारने अनेक अनुभवांना दर्शवते. In the book of Leviticus chapter 9 and verse 22. और लेवियों की किताब 9वें अध्याय के 22वें वचन. लेवी पुस्तक 9वें अध्याय 22वें वचन. Here we find Aaron. He lifted up his hands in order to bless the people. वहां पर हम हारून को देखते हैं उसने अपने हाथों को उठाया लोगों को आशीष देने के लिए. आहरण वाला पाहतो ज्याने देवाच्या लोकांना आशीर्वाद देण्याकरिता अपने बाहू उभारले. So we have to lift up our hands to bless others. हम लोग औरों को आशीष देने के लिए अपने हाथ उठाना चाहिए. इतरांना आशीर्वाद देण्याकरिता अपने हातून सारे पाहिजे. In the book of Genesis chapter 14 and verse 22. उत्पत्ति की किताब 14वें अध्याय के 22वें वचन. उत्पत्ति 14वें अध्याय 22वें वचन पाहताना. Abraham is lifting up his hands before the king of Sodom. और सोदम के राजा के सामने अब्राहम को अपने हाथों को उठाते हुए हम देखते हैं. सोदम के राजा समोर अब्राहम ने अपने हाथ वर करता पाहिरो पाहतो. गॉड हैज ऑलरेडी ब्लेस्ड अब्राहम. परमेश्वर ने अब्राहम को आशीर्वाद दे चुका था. देवर अब्राहमला आशीर्वाद दिलेच होते. बट हियर द किंग ऑफ सोदम ही वांटेड टू ऑफर समथिंग फॉर अब्राहम. और सोदम का राजा अब्राहम को कुछ देना चाहा. परंतु सोदम का राजा इस्राएल अब्राहमला काही देऊ इच्छित होता. ही सेड आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू. कहने लगा मुझे तेरे पास से कुछ नहीं चाहिए. मला तुझ्याकडून काही नको. गॉड हॅज ऑलरेडी ब्लेस मी दॅट इज इनफ फॉर मी. परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छा आशीर्वाद किया और वो मेरे लिए काफी है. देवाने मला गोदरेच आशीर्वाद दिले आहे ते मला पुरे आहे. हियर द किंग ऑफ सोडम इज अ टाइप ऑफ द डेविल. और ये सोदम का राजा एक शैतान के परछाई है. सोदमचा राजा सैतानाला दर्शवितो. सो द डेविल वॉन्ट्स टू ब्लेस यू. शैतान आपका आशीष करना चाहता. सैतान तुम्हाला काही देऊ इच्छितो. नाउ वी आर मेडिटेटिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड. अभी हम परमेश्वर के आशीषों के ऊपर ध्यान करते हैं. देवाच्या आशीर्वादावर मनन करीत असताना. When the devil blesses you. और जब शैतान आशीष देगा. देव सैतान आशीर्वादित करू इच्छितो. You will face all this experience in the contrary way. और ये सारे आशीषों को एक विपरीत अवस्था में लाएगा. याच आशीर्वादांना विपरीत अनुभव तुम्ही पहाल. लाइक अब्राहम वी हैव टू लिफ्ट अप आवर हैंड्स एंड से टू द डेविल आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू. अब्राहम के जैसा अपने हाथों को ऊपर करके बोलना चाहिए शैतान से. हे शैतान तेरे आशीष मुझे नहीं चाहिए. अब्राहम प्रमाणे आपले हात वर करून ते सैतानाला सांगितले पाहिजे. सैतान मला तुझे काही नको.
को. Those who say no to the world, the flesh and sin, they are lifting up their hands. जो लोग ये संसार के लिए, शरीर के लिए, शैतान के लिए ना बोलते हैं, केवल वही लोग हाथ उठा सकते हैं. या सैतानाला, शरीराला आणि जगाला जे नाही असे म्हणतात ते आपले हात वर करू शकतात. In Exodus chapter 17 and verse 11. और निर्गमन के किताब 17वे अध्याय 7वा वचन. निर्गमन 17वा अध्याय 11वा वचन वाचताना. When the children of Israel were fighting against the Amalekites. और यहाँ पर जाके इसराइल लोग जो है अमालिक लोगों के साथ लड़ाई करने के समय इसराइल लोग अमालिक लोग का वर चाल करूँ आ लेते हैं. You see how Moses was standing, sitting on the mount, and he was lifting up his hands. कैसे मूसा जो है पर्वत के ऊपर जाके अपने हाथों को ऊंचा करके रखा. मोशे हाथों पर थे ढोंगरा और बसला ने हाथ वर के लेते हैं. What is the meaning of that? उसका मतलब क्या है? यह अर्थ क्या है? Surrendering himself fully to the Lord so that the Lord may fight the battle and give them victory. अपने आप को पूर्ण रीति से प्रभु के हाथों में समर्पण करना ताकि परमेश्वर उसकी लड़ाई को लड़ सके. पूर्णपणे प्रभु चाहती समर्पित करावी यासाठी की प्रभु ने ते युद्ध लड़ावे. Whenever we face battles in our life. जब जब हमारे जीवन में लड़ाइयों का सामना करना पड़ता है. जय जय युद्धाला सामोरे जावे लागते. Like Moses, let us lift up our hands before God and say, Lord, I submit myself completely to thee. You take charge of everything. मूसा के जैसा हाथों को उठा परमेश्वर के सन्निधान में और प्रभु से कहो, प्रभु मैं पूर्ण रीति से ये लड़ाई को तेरे हाथों में सौंप देता, तू इसका ताबा ले. त्यावेळेस मोशे प्रमाणे आपले हात पूर्णपणे वर उचलून आपण म्हटले पाहिजे, प्रभू तुझ्या हाती पूर्णपणे समर्पित करतो यासाठी की तू माझे युद्ध आपल्या हाती घे. खुदावन की तारीफ हो. पहिला तिमोथी दुसरा अध्याय आठवा वचन पाहताना द अपोस्टल सेज द होली मेन दे हॅव टू लिफ्ट अप द हँड्स अँड प्रे. और यहाँ पर प्रेरित कहता पवित्र लोग अपने हाथों को उठा के प्रार्थना किया करे. प्रेषित म्हणतो की पवित्र जनांनी आपले हात वर करून प्रार्थना करावी. सो लिफ्टिंग up our hand shows a life of prayer. और ये हाथों को उठाना प्रार्थना जीवन को भी बताता है. जब हाथ वर करने प्रार्थना जीवन दर्शाते हैं. We have to lift up our hands towards the sanctuary and bless the Lord. पवित्र स्थान के तरफ हम लोग अपने हाथों को उठा के परमेश्वर को धन्य कहना है. पवित्र स्थान कड़े वो बाहु भारो तेला पर धन्यवाद दिला पाइचे. Then God will bless us out of Zion. तभी परमेश्वर सियोन से हमको आशीष करेगा. सियोन तू दे आशीर्वादित करे. So far we were meditating about various experiences of the blessings of God. अब तक हम परमेश्वर के आशीर्वादों के कई अनुभवों के बारे में ध्यान कर रहे थे. देवाच्या आशीर्वादों विषय अनेक गोष्टी आपण आता पाहिल्या. Now God wants to bless us. अभी परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है. आता दे तुम्हारे आशीर्वादित करू इच्छितो. Shall we all stand up? आइए हम खड़े हो जाओ. यहाँ पर उभरा होया. We are living already seen in the sanctuary. हम लोग जो है हमारे हाथों को वो पवित्र स्थान में उठाने वाले हैं. पवित्र स्थान कड़े अपने बाहु उभर रहा हो. We are in the house of God. हम परमेश्वर के भवन में है. परमेश्वराच्या घरात तुम्ही आहात. We are in the sanctuary of God. हम परमेश्वर के पवित्र स्थान में है. परमेश्वराच्या पवित्र स्थानात तुम्ही आहात. God has brought us to bless us. परमेश्वर हमको लाया है ताकि हम आशीष पाए. तुम्हारा आशीर्वाद देण्याकरिता देवाने आणले. We also have come here to receive the blessings of God. आप भी यहाँ पर आए हो परमेश्वर का आशीष को पाने के लिए. देवाचे आशीर्वाद प्राप्त करण्यासाठी येथे आला आहात. As we read now. जैसा हमने अभी पढ़ा. जैसे आता वाचले. Now we all are going to lift up our hands towards the sanctuary and we are going to praise God. अभी हम सब लोग अपने हाथों को पवित्र स्थान की तरफ उठाएंगे और उसकी तारीफ करेंगे करने वाले हैं. पवित्र स्थान कड़े वो अपने बाहु भारू ना तपन धन्यवाद करना रहो. डोंट स्टॉप प्रेसिंग. और तारीफ करना बंद मत करो. धन्यवाद करने थामो नका. Until you are fully convinced that God has blessed you, keep on praising Him. जब तक आपके मन में निश्चय नहीं होता कि प्रभु ने आपका आशीष किया, उसकी तारीफ लगातार करते रहो. जो परंतु तुम्हारा खात्री हो कि देवाने आशीर्वाद दिलाए तो परंतु तुम्हें तेला स्तुति करित रहो. The Lord has come to bless us from Zion. परमेश्वर सियोन से उतर कर आया हमको आशीष देने के लिए. सियोने तू देव आशीर्वाद देना करिता अपने मध्ये आला है. Let us close our eyes and open our mouths. और हम लोग अपने आंखों को बंद करें, अपने मुंह खोल दे. अपने नेत्र बंद करो, अपने हृदय तोड़ उगड़ूया. Close your physical eyes and open your eyes of faith. अपने शारीरिक आंखों को खोल बंद करें और अपने आत्मिक आंखों को खोल दो. शारीरिक डोले बंद करो और ये विश्वासाचे डोले उघडा. Lift up your hands towards the sanctuary and keep praising God. पवित्र स्थान के तरफ अपने हाथों को उठा के उसकी तारीफ करते रहो. पवित्र स्थान कड़े वो अपने बाहों बारू स्तुति करो. Now God has started to bless us. परमेश्वर हमको आशीष करने के लिए आरंभ किया है. देवाने अपने आशीर्वादित करने शुरुआत के लिए. We are going to praise God for a few minutes. हम लोग कुछ क्षण के लिए परमेश्वर की तारीफ करने वाले हैं. 5 मिनट साठी देवाची स्तुति करो. Meanwhile the Lord is going to bless us. हाँ, परमेश्वर हमको आशीष करने वाला है. खात्री ने दे तुम्हारा आशीर्वादित करो. He will never send
send any one of us empty handed. और वो आपको खाली हाथ नहीं भेजने वाला. बोला रहे तो रिक्त हस्ते पैठ बिठा रहे. You will receive the fullness of his blessings and return back. उसके आशीषों की भरपूरी को पाके आप जाने वाले हो. आशीर्वादाची भरपूरी प्राप्त करो तुम्ही जाना रहा. Let your praises reach the presence of God. आपके तारे परमेश्वर की हाजिरी में पहुंचने दे. स्तुति देवाच्या सानिध्यात जाऊ दे. Let your praises reach the sanctuary of God. तेरी तारे परमेश्वर के पवित्र स्थान में पहुंचने दे. स्तुति देवाच्या पवित्र स्थानात जाऊ दे. Let your praises reach the ears of God. तेरी स्तुति परमेश्वर के कानों में पहुंचने दे. स्तुति देवाच्या कानामध्ये पोहोचू दे. Then you will see how God is going to bless you. देखो परमेश्वर आपको कैसा आशीष करता. कैसा आशीर्वादित करतो. With all your strength, with all your heart, praise him. पूरे मन से पूरे बल से उसकी स्तुति करो. पूर्ण हृदय से स्तुति करो. With a grateful heart, praise him. और उसके पूरे हृदय से तारीफ करो. हृदय से स्तुति करो. With a cheerful heart, praise him. आनंद के साथ उसकी स्तुति करो. हृदय से स्तुति करो. Remembering that we are created to praise God, let us praise him. आप लोग उसकी स्तुति करने के लिए निर्माण किए गए. इस बात को याद करके उसकी तारीफ करते रहो. स्तुति साठी तुम्ही निर्माण केले गेल्यावर स्मरण करो त्याची स्तुति करो. Open your mouth wide and praise him. अपने मुंह को विस्तार से खोल के उसकी तारीफ करो. तुमचे तोंड तुम्ही विस्ताराने उघडा आणि स्तुति करो. Lift up your voice and praise him. अपने आवाज को ऊंचा करके उसकी तारीफ करो. त्याची स्तुति करो. God is showering his blessings upon us. परमेश्वर उसके आशीषों को उंडेल दिया है. त्याच्या आशीर्वादाची वृष्टी पडली. Praise God and receive all his blessings. उसकी तारीफ करते हुए उसके सारे आशीषों का वारिस बनो. स्तुति करो त्याचे सारे आशीर्वाद प्राप्त करो. Praise God and receive his blessings. तारीफ करके उसके आशीषों को पालो. स्तुति करो आशीर्वाद प्राप्त करो. हालेलुया हालेलुया Until you receive something from the Lord, don't stop praising God. तारीफ करते रहो. तारीफ करना बंद मत करो. देवाकडून काही प्राप्त होईपर्यंत तुम्ही स्तुती थांबू नका. Everybody open your mouth and praise God. सारे लोग मुंह खोल के उसकी तारीफ करते रहो. तुम्ही देवाची स्तुती करीत रहा. Lift up your hands towards the sanctuary and praise God. पवित्र स्थान के तरफ अपने हाथों को उठा के उसकी तारीफ करो. Hallelujah.